गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलमृतभुजौ कनकावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ विजयवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नाम्ने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण हरे
मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। उधर का जो दरवाजा ना उस तरफ बंद कर दो, मुझे साउंड आता ही नहीं आई। हाँ, आज हमारी गौड़ीय मठ का जो मूल प्रतिष्ठा था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, आज तिरुभाव तिथि है, इसलिए आज हम लोग सवेरे भी उनको चरण में हम लोग ने कुछ पुष्पांजलि दिया था, उनके चरणों में कुछ हमने अर्पण किया था। कहते जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का है, कहते वो चार कारण बताते हैं, इसलिए प्रभुपाद का जीवन में भी वो आने का वहाँ पर भी चार कारण दिखाई पड़ता है। जैसे कहते महाप्रभु जगत में आने का जो कारण साधारण कारण है, कहते कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन एतत अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आए, कलियुग का जो युग धर्म वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। इसलिए जगत में हरि नाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए आए। क्या ठीक उसी तरह से प्रभुपाद जो जगत में आए उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी के जितने नगर ग्राम में एक दिन मेरे नाम प्रचार होगा, ठीक उसी तरह प्रभु यद्यपि महाप्रभु ने जिसको द्वारा जितना करवाना था उनने उतना उसको द्वारा करवाए, लेकिन अगर पूर्ण रूप में अगर हम विवेचना करें संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी किसने प्रचार किया वो दिखाई पड़ेगा श्री लव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। उनने स्वयं तो 64 मठ स्थापन किया ही है और अपना शिष्य प्रशिष्य को दे करके प्रभुपाद रहते समय में भी उनने विदेश में कुछ कुछ भक्तों को भेजे थे, लेकिन श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज ने जाकर के हैं सचमुच से संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी और हरि नाम संकीर्तन, इसलिए स्वामी महाराज कहते थे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम जप करो, नाम जप से ही तुमको शांति शांति मिलेगा, केवल इतना ही बात बोलते थे। और जब विदेश में गए उन्होंने एक पेड़ को नीचे बैठ करके केवल करताल ले करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 किया। और जितने वहाँ गंजड़ी भंगड़ी और शराबी लोग थे वो अपनी आप भगवान के नाम में शक्ति है ना, भगवान के नाम में मधुर मीठा है भगवान का नाम, अपनी आप वो लोग आकर के उनको पास में बैठ कर के हरिनाम सुनने लगे। कभी कभी बोलते आप भी थोड़ा पिया करो, इनको भी बोलते आप भी थोड़ा पियो हम भी थोड़ा पियेंगे, कहते हम तो असली पान हम ही कर रहे हैं और तुमको कोशिश कर दो हरिनाम अमृत को तुमको पिलाने के लिए। केवल उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया, हरिनाम संकीर्तन से सारा दुनिया में प्रचार किया, इसलिए पहला प्रभु महाप्रभु आने का कारण जगत में हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद ने स्वयं अपना जीवन में पहला आचरण किया, दिन में प्रभुपाद 3-3 लाख हरिनाम करते थे प्रभुपाद हैं, 12 साल तक 3-3 लाख मतलब 70 करोड़ नाम यज्ञ किया, 100 करोड़ नाम किया 12 साल में। अगर प्रभु का कोई नाम अगर देखो कोई सोलोमाला करते हैं ना, दिन भर सोलोमाला करते हुए उनको दिन भर बीत जाता है तो सोलोमाला खत्म नहीं कर पाते, अगर कोई 1 लाख हरिनाम करे तो 64 माला करे दिन रात तो चैन नहीं पड़ेगा, सवेरे से लेकर के रात तक एकदम पूरा है, एक दिन 1 लाख हरिनाम करके देखो कितना। अगर कोई 3 लाख हरिनाम करेगा उसको भगवान के नाम के सिवाय और कुछ रहेगा नहीं, उठते बैठते सोते उसको 3 लाख हरिनाम साधारण बात नहीं, किसी तरह से 2-4 घंटा किसी तरह से वो सो सकता है और 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु का नाम लेना पड़ेगा,
फिर अगर कोई व्यक्ति ये 12 साल ये काम कर ले, आप देखना उसको बात सीधी हो जाएगी। बात सीधी मतलब उसके मुंह से जो कुछ निकले वो सच होगा, क्योंकि 12 साल तक एक तरह का एक कल्प है। उसने भगवान के नाम के सिवाय कुछ बोला ही नहीं, ठाकुर के नाम के सिवाय। उसको बात सीधी हो जाएगी, जो बोलेगा आप किसको बोल दो ये हो जाएगी, झट हो जाएगी। इतने शक्ति प्रभुपाद ने, पहले उन्होंने स्वयं हरि नाम किया और उन्होंने जगत में क्या किया, पूरा ये हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने सारा दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। इसलिए अनंत शिष्यों को बना करके सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र को जगत में प्रचार किया। ये दूसरा कार्य किया, जैसे श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु को पहले आए और जगत का दुर्दिन इसको उन्होंने देखा, कैसे बिल्ला बिल्ली कुत्ता कुत्तियों को शादी में करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, देवी पूजा में बलिदान देते हैं और पता नहीं कितने करोड़ पैसा शादी विवाह में खर्चा करते हैं, हैं? अभी भी शादी विवाह में खर्चा करते हैं। हाँ, कुछ कुछ जात ऐसे होता है, एक पैसा तो ठाकुर के सेवा में नहीं देंगे, लेकिन शादी को ना करोड़ रुपया वहाँ पर करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। इसलिए ये सब चीज को देख करके अद्वैत आचार्य ने क्या किया, तुलसी दल और गंगा पानी लेकर के भगवान को उन्होंने आह्वान किया और उसकी वजह से महाप्रभु जगत में आए। उसी तरह यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जब जगत का दुर्दशा को देखा, कैसे आउल बाउल नेड़ा नेड़ी सखी वेकी हैं, कैसे जगत में अपसंप्रदाय फैल रहा है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उन्होंने श्री विमला देवी को, जगन्नाथ जी का शक्ति विमला देवी को प्रार्थना की, अब ऐसे एक संतान प्रदान करो भविष्य में महाप्रभु की धारा को जो आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के आह्वान से श्रील प्रभुपाद जगत में प्रकटित हुए। बोले तीसरा आकार ने किया था, जैसे अनर्पित चरिन चिरा कर्ण यावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रिया। महाप्रभु जगत में क्यों आए, वो ब्रज भक्ति राधा रानी के निकुंज की सेवा को करने के लिए प्रभुपाद आए, इसी महाप्रभु आए। यहाँ पर प्रभुपाद भी, इसलिए उनका हर उपदेश में वो क्या कहते हैं, बोले रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल बनना ही हमारे जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है, केवल यही एक उद्देश्य। श्री रूप गोस्वामी रूपानुगत होकर के श्री राधा कृष्ण के चरण की सेवा ही जीवन का एक उद्देश्य, और हमारे कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए बोले श्री रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत धंत हारिणी, श्री रूपानुगत्व है, रूपानुगत को उन्होंने जगत में उन्होंने दान किया है। चौथा कारण किया, महाप्रभु राधा रानी की प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, कैसे श्रीमती राधा रानी मेरे प्रेम को आस्वादन करते हुए उसकी शरीर में क्या क्या दिव्य भाव प्रकट होता है और मेरे अंदर में क्या माधुर्य है। इसलिए श्री प्रभुपाद भी उन्होंने क्या किया, जब राधा कुंड को बीच में बैठ करके हम गुरुदेव कहते थे, कुंड में बैठ करके ही गुरुदेव कहते थे, जो अनर्थ युक्त व्यक्ति को पास में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बड़े विद्वत रूप में, लेकिन जो अनर्थ मुक्त जो अपना परिजन है अपना निजजन को पास में प्रभुपाद दूसरे रूप में, किस रूप में, बोले श्री भार से भान भी देवी दयिताय कृपा दो, राधा रानी की अत्यंत एक प्रिय दासी रूप में अपना परिचय दिया है। कहते राधा कुंडो श्याम कुंडो के बीच में बैठ करके प्रभुपाद जिस समय अपना नयन मणि मंजरी रूप में जब उसमें संपूर्ण डूब जाते थे, उनके शरीर में जो दिव्य भाव प्रकट होता था, बोले वही समस्त थे प्रभुपाद का जो निजजन है, वो सब चीज को समझते थे, कैसे प्रभुपाद हैं, कैसे अपना भाव में कैसे आविष्ट होकर के वो रसास्वादन कैसे वो रसास्वादन करते हैं। इसलिए हम इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी सूर्य कुंड में जाती हैं सूर्य पूजा करने के लिए, लेकिन ऊपर में तो दिखाती है मैं सूर्य पूजा के लिए जा रही हूँ, लेकिन अंदर में क्या, श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहते उसी तरह प्रभुपाद का जीवन में साधारण रूप में तो एक दिखता है, आज जगत में आए और बड़े प्रबल रूप में उन्होंने महाप्रभु का वाणी को जगत में प्रचार प्रसार किया, लेकिन अंतर से अगर उनको देखेंगे तो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद का भावना किया है, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ पर श्री राधा जी की भाव में जैसे श्याम सुंदर को राधा रानी जैसे ढूंढती थी, यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद व्याकुल विप्रलंब भाव में कैसे श्री किशोर जी की चरण की हमें सेवा प्राप्त हो इसी भाव में डूबे रहते। इसलिए बहुत बहुत सारे प्रभुपाद का जीवन चरित्र है, आज उनको तिरुभाव थी,
और हमारे यहाँ पर कुछ कुछ वैष्णव लोग भक्त लोग हैं वो भी प्रभुपाद के चरण में ये सब के सब कुछ कुछ समय पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। कौन बोलेगा हाथ उठा, जो हाथ उठाएगा उसको बुलाएंगे। ये ब्रह्मचार्य सब जुड़े हुए ये पहले पहले देखो एक माता जी कह रहे हैं आप गुरु जी की तिथि में आ जाए, आप गुरु जी की तिथि में आ जाए अगला ओम ज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय काव्य में लायो कृष्णाय सारे के सारे लिखो हरि कथा कल तुमसे सुनूंगा जो लिखो ठीक है। मैं तेरे को कल तुम लोग का नंबर आएगा ठीक है। आज अगर समय होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो कल तुम लोग लड़कियां सब बोले अच्छी तरह सारी कथा का नोट लाइयो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पादपद्मा श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण और बिंदु में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानंद गुरु वर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज इनकी जो तिरुभाव तिथि है नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदुपरांत यहाँ पर स्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ने आज्ञा दी है प्रभुपाद जी के विषय में कुछ पाप पुष्पांजलि देने के लिए जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो, इसलिए मैं चेष्टा करूंगा कुछ थोड़ा बहुत बोल करके उनके विषय में ताकि गुरुदेव प्रभुपाद और सब सभी हम पर कुछ बात कर सकते हो। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्य जो व्यक्ति तत्वादेह पुनर्जन्म नेति मानवे की समझ। भगवान कृष्ण कहते हैं तेज कर दो भगवान कह रहे हैं गीता में कि जो मेरा जन्म और कर्म है वो बहुत दिव्य है, उसको समझना आसान नहीं है, लेकिन जो उसको एक बार समझ जाए जो उस तत्व तत्व का अगर कोई समझ जाए फिर उसका पुनर्जन्म नहीं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के निज गण जो भगवान के परिकर होते हैं जो भगवान के धाम से आते हैं उनका भी जो जन्म और कर्म दिव्य होता है। इसीलिए जैसा गुरुदेव ने सुबह बताया था जो प्रभुपाद है जिनकी आज स्थिति है जिनका यहाँ पर चित्र पढ़ते हैं प्रभुपाद साधारण कोई नहीं, ये राधा जी की मंजरी है नयन बड़ी मंजरी है। इसलिए राधा जी के आदेश पर कि जगत की दुर्दशा को देख करके जगत का जो कष्ट को देख करके राधा जी का जो राधा रानी तो करुणामयी है इसलिए उन्होंने इनको भेजा है ताकि जगत का जो जीव है वो पुनः भगवान की सेवा भक्ति करके शांति और आनंद को पुनः प्राप्त करे, इसलिए प्रभुपाद जी सदा धाम में आए हैं। इसलिए जो प्रभुपाद जी का जो जन्म है वो हुआ है 1874 6 फरवरी को, 6 फरवरी 1874 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है जगन्नाथपुरी धाम। इसलिए जैसे गुरुदेव सुबह बता रहे थे जगन्नाथपुरी धाम में ही बताया कि जो महापुरुषों का जो जन्म उत्तर प्रदेश में बताया। पहले जैसे हमारे जो चार आचार्य है ना चार संप्रदाय चार आचार्य की जय बोलते हैं उनका भी जन्म उत्तर उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश पहले बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश होता था तो धीरे 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 अब छोटा रहेंगे क्योंकि इस समय भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा होता था, इसलिए महापुरुषों का जन्म विशेष करके उत्तर प्रदेश में होने की भविष्यवाणी है पूरा। उसी के अनुरूप प्रभुपाद जो है क्योंकि महापुरुष तो उत्तर प्रदेश में जन्म लेंगे इसलिए प्रभुपाद ने कहाँ जन्म लिया पुरी में। और प्रभुपाद जी के माता और पिता साधारण माता पिता नहीं, उनकी माता जी का नाम है भगवती देवी, बहुत भक्तिमती वो माता जी है जिनके गर्भ में ऐसे महान संतान है वो साधारण माता नहीं हो सकती इसलिए भगवती देवी। और इनके पिता ननंदन से कोई साधारण नहीं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर अगर भौतिक जगत से भी देखा जाए ना मैजिस्ट्रेट उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स के समय पर अगर कोई इंडियन
अगर मैक्सिमम पोस्ट कुछ अचीव कर सकता था तो वो मैजिस्ट्रेट की ही पोस्ट थी, उससे ऊपर कोई पोस्ट भारतीय नहीं ले सकता। मैक्सिमम पोस्ट जो ले सकते थे उस पर कौन बैठे हुए थे? भक्ति विनोद ठाकुर। और इतने विद्वान, इतने प्रगाढ़ विद्वान भक्ति विनोद ठाकुर थे कि ब्रिटिशर्स भी उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। और बड़े बड़े केस जो होते थे ना, जिसको जिनको हल करना बड़ा कठिन होता था, भक्ति विनोद ठाकुर चुटकी बजा करके उनको हल कर दिया था। क्यों? क्योंकि गीता भागवत वेद पुराण समस्त शास्त्र उनके हृदय में था, इसीलिए वहां चुटकी बजा करके हल कर दिया। हाँ, जो 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 बच्चे हैं आप लोग आते हो, कोशिश करना अच्छे तरह सुनने के लिए, ठीक है? अगर कापी पेन हो तो बिल्कुल लिखो, ठीक है? एक दिन तुम लोगों का भी कथा होगा, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं। कापी पेन है तुम लोगों के पास में? कापी पेन है कि नहीं? इसको लेकर के तुम लोग बच्चे लोग लिखो एक दिन, केवल तुम लोगों की कथा होगी, क्या क्या सुने हो एक दिन, केवल तुम लोगों की कथा होगी। इसलिए ठीक से सुनना, ठीक है? तरुण कहाँ गया? आप पीछे छुप कर बैठे, प्रसाद का समय आ गया और कथा का समय पीछे, सामने आओ और सबके से सुना। और तेरे बच्चा बेटा कहाँ है? तुम्हारे बेटा कहाँ गया? जब काम की समय होगा नहीं आएगा। हाँ, एक दिन सारे बच्चों की क्लास होगी, हम देखेंगे कौन बच्चा, ठीक है? सब पेन का पेन कर लिखो, सब चीज को लिखो। हरे कृष्ण, लिखो उसका, किसको पास कॉपी में ना उसको लेकर लिखो। तो उसी में ही जगन्नाथ पुरी धाम में, क्योंकि उस समय में भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे पुरी धाम में मैजिस्ट्रेट थे, पूरी पूरे जगन्नाथ पुरी का जो प्रशासन का जो कार्यभार था भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर में था। और मंदिर के उसी रोड पे जो ग्रैंड रोड है बड़दंड, उसी में थोड़ा हम जब चलते गुंडीचा मंदिर की तरफ, तो बाएं हाथ पर ही भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था, वही उनकी बाड़ी थी, वही वो रहते थे। तो वहीं पर ही प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है। उनका जन्म भी साधारण है, जैसे साधारण बालक का जन्म होता है उस प्रकार से इनका जन्म नहीं हुआ था। इनके जन्म के साथ में ही जो इनके जनेऊ था, जैसे माता का बच्चा जो है ना, माता के गर्भ से नाड़ से जुड़ा होता, तो नाड़ इस प्रकार से था जैसे कोई जनेऊ संस्कार हो गया। जैसे शुकदेव गोस्वामी का आता है ना, उनका जो प्रणाम मंत्र जम प्रचंत मनोपेत मोपेत, वो ऐसे गए जैसे माँ की जो नाड़ को ही जनेऊ बना करके जंगल में भागे, और किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। जन्म से ही दिखाया कि ये साधारण बालक नहीं, ये कोई वैष्णव, परम वैष्णव। और तिलक के निशान उनके उनके जो शरीर के ऊपर तिलक के चिन्ह थे, उसको देख करके सभी लोग बड़े आश्चर्य थे। और जब भक्ति विनोद जो प्रभुपाद जी जो है इनका जो जगन्नाथपुरी में जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए थे, तब उनको एक बार जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश दिया था। स्वप्न आदेश देकर के बोला था कि आप जगन्नाथपुरी में आ गए हैं, कि जगन्नाथपुरी में मैंने आपको प्रशासन करने के लिए नहीं, ये भक्ति को जगत में प्रचार करने के लिए यहाँ पर बुलाया पूरी धाम। भक्ति विनोद ठाकुर को जगन्नाथ जी ने एक और बात बताई थी कि विमला देवी जो है, आप उनसे प्रार्थना करना, उनकी कृपा से आपको एक पुत्र की प्राप्ति। जिस प्रकार वेद व्यास जी ने भागवत तो प्रकाश कर दी, लेकिन ये भागवत को जगत में कौन लेकर के जाएगा, इसके लिए उन्होंने क्या करे, अपने पुत्र जो है उसको पुत्र 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 कहके उनके पीछे भागे, ताकि ये जो पुत्र है साधारण नहीं, ये राधा श्री जी का शुभ है, ये ही एक योग्य व्यक्ति है जो भागवत को ठीक ठीक रूप में जगत में प्रकाश कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी भी जानते हैं कि अगर ठीक ठीक रूप में भी प्रचार कर सकता है तो कौन, जो ये विमला देवी के जो प्रसाद स्वरूप जो पुत्र मुझे प्राप्त होगा वही कर सकते। वही विमला देवी की कृपा से प्रभुपाद जी का जन्म इनके घर में हुआ है, इसलिए उनका नाम रखा गया विमला प्रसाद। जब ये 3-4 महीने के थे, 1874 में ही जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, अभी ये 3-4 महीने के ही है, जो रथ है वो आकर के दरवाजे के सामने अटक गए। वैसे साधारण रूप में जगन्नाथ जी का जो रथ है वो 1 या 2 दिन में गुंडीचा मंदिर पहुंच जाता है, लेकिन इस साल 3 दिन हो गया रथ नहीं चला। और भीड़ और प्रशासन का कार्यभार भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर, वो तो मैजिस्ट्रेट है, सारी सिक्योरिटी उनके हाथ में, वो देख रहे रथ चल क्यों नहीं रहा। वो एक बहुत, क्योंकि वो साधारण नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर भी साधारण नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर तो भक्ति भागीरथ, वो तो पुनः इस धराधाम में भक्ति को उन्होंने जीवित कर दिया, पुनर्जीवित किया है, इसलिए भक्ति भगवान को जानते थे। वो कमल मंजरी भी है, वो समझ गए कि ये जो पुत्र है इसी को लाना पड़ेगा, इसलिए भगवती देवी पुत्र को अपनी गोदी में लेकर के आए हैं। और जैसे ही वहां रथ में पुत्र को ले गए, पुत्र जो है जगन्नाथ जी की तरफ मुड़ गए, और जैसे ही मुड़े हैं वो जगन्नाथ जी के जो माला निकल करके उनके गले में गिरी, जिसको देख करके सारे पंडा जी हैं जो सारे वो सबने बोला ये बालक कोई साधारण नहीं है।
और भक्ति विनोद ठाकुर को भी वहां पे बिल्कुल पक्का हो गया कि ये वही बालक है जो ये समस्त जो भक्ति का पूर्ण जगत में प्रचार करने वाले हैं। इसीलिए ये प्रभुपाद जी का अभी जन्म हो गया और प्रभुपाद जी की अब शिक्षा, प्रभुपाद जी जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा ये जो बालक है विद्वान, इसका स्वाभाविक रूप में भक्ति में रुचि है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसे गुरुदेव स्वामी बता रहे थे कि पूर्ण देव एक विग्रह उनको दिया, मंत्र प्रदान किया ताकि वो अर्चन आदि करके ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, बचपन से ही संस्कार है, इसलिए ये शिक्षा भी है। महापुरुष जो कोई भी हो जगत में पहला पहला गुरु कौन होते हैं? माता और पिता होते हैं। अगर ऐसी शिक्षा देंगे देखो बच्चा कैसे बनता, सारी दुनिया में ना हुआ कि नहीं प्रभुपाद जी का, भक्ति विनोद ठाकुर भी वही करते, बचपन से ही पुत्र को वेद शास्त्र का ज्ञान, और क्या किया उनको एक ब्रिटिश स्कूल उस समय पे ओपन होने लगे थे भारत, ब्रिटिश स्कूल में उनका एडमिशन कराया, क्यों? ताकि ये आज के जमाने के हिसाब से शिक्षा ग्रहण करें, सीख करके आज कैसा चल रहा है जान करके फिर उसके अनुरूप भक्ति का प्रचार सारी दुनिया में कर पाए। और भक्त और जब प्रभुपाद जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर, वो स्कॉलर थे, इतने इंटेलिजेंट प्रभुपाद थे कि टीचर उनके नाम से घबरा जाते थे, उनकी विद्वत्ता को देख करके 7 साल की आयु के अंदर पूरी गीता के 700 श्लोक 7 साल की आयु, पर उसमें तो प्रश्न नहीं होता है कि तो आजकल के बच्चे भी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं स्कॉल के, तो देखो छोटे छोटे बच्चे चुड़िया रख के और गीता के पूरे श्लोक अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन प्रभुपाद सिर्फ श्लोक नहीं याद किया, पूरा का पूरा उसमें टीका और उसका जो यथारूप जो भाव है गीता का, कहीं पर भी खड़ा कर दो प्रभुपाद वो पूरा उसमें स्पष्ट रूप में बोल करके समझा सकते थे। ये प्रभुपाद का विशेष वैशिष्ट था उस समय का। इसी प्रभुपाद की जो विद्वत्ता को देख करके उनको देख करके भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न होते, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभुपाद जो थे वो ये शिक्षा में और इसमें फंसना नहीं चाहते, उन्होंने जो विद्वत्ता तो थी उसका इस्तेमाल संस्कृत भी सीखा, संस्कृत सीखा, इंग्लिश सीखा, कितनी सारी भाषाओं में वो पारंगत हो गए, क्यों? ताकि ये सारे जगत में प्रचार करना है ना, उसके लिए सारी भाषा भी आनी चाहिए। और भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू से ही ग्रंथों की महिमा को जानते थे, क्योंकि ग्रंथ क्या होता है, ग्रंथ क्या होता है, ये ग्रंथ जैसे बताया एक ऐसा मंदिर है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, अगर एक बार कोई ग्रंथ प्रकाशित हो गया फिर उसको कोई तोड़ सकता है? उसको कोई नहीं तोड़ सकता, वो एक ज्ञान है, वो प्रकाश हो गया तो हो गया। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये चीज देख करके उनको एडिटिंग टाइपिंग और उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है ना प्रूफ रीडिंग, ये सारी जो बुक बनाने में लगती है सारी चीजें उनको सिखाया, तो सीख करके तो प्रभुपाद एक बहुत विद्वान वहां पर बने। और आगे कथा आती है, एक त्रिपुरा के राजा थे, एक त्रिपुरा के राजा थे भक्ति विनोद ठाकुर, वो वैष्णव ही थे राजा त्रिपुरा, त्रिपुरा ऐसी जगह है आज भी वहां भक्ति, वो राजा भी वैष्णव थे। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बोला कि आपके ये पुत्र बड़े विद्वान है, इनको भेजो ताकि ये मेरे पुत्र को थोड़ा सिखाए पढ़ाए जिससे हमारे पुत्र भी विद्वान बने, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको भेजा, उनको वहां पे भेजा। लेकिन प्रभुपाद के वहां जाने का कारण ये था कि उनके पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी, राजा लोगों के महलों में लाइब्रेरी होती है, बड़ी लाइब्रेरी, उसमें बहुत सारी किताबें शास्त्र ग्रंथ थे, जो प्रभुपाद सोच रहे कि वहां जाऊंगा तो सारे सारे ग्रंथ मैं वहां पर वो भी पढ़ूंगी, तो वहां पे गए और उनके बच्चों को शिक्षा भी देते थे और वो भी सीखते। लेकिन प्रभुपाद तो सारे ग्रंथ सीख लिया वहां पढ़ जैसे जैसे भक्ति फटफट सारे जितने के सारे हल कर देते ना, प्रभुपाद ने भी ठीक उसी प्रकार सारे के सारे ग्रंथ वहां पर पढ़ दिए, उस महल में सारे ग्रंथ पढ़ दिए। लेकिन जो राजा था ना वो घबरा गया, राजा घबरा गया कि बच्चा के हमारे बच्चे को साधु ना बना देते, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी ऐसी कि संसार नाश करते दो मिनट में जीव को संसार से निकाल करके भगवान की सेवा में लगा दे, प्रभुपाद जी की ऐसी वाणी। इसलिए राजा जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये हमारे बच्चे सब साधु बन गए तो हमारा राज्य भार कैसे चलेगा। इसलिए प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि हम आपको पूरा पेंशन देंगे, जब तक रहोगे जब तक पेंशन वहां से राजा के महल से आएगी। और प्रभुपाद जो है तो चाहते ही थे कि मैं इन चक्रों में ना पढ़ूं, राजभार पढ़ाना उनको, तो क्या करना था, जो राधा रानी का जो मैसेज है जो 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 पूरी दुनिया में जगत में उसको देना। इसलिए प्रभुपाद जी वहां से भी निकल करके आए हैं, और प्रभुपाद जी आने के बाद में उन्होंने अपना ये प्रचार कार्य आरंभ करेंगे। अभी उनकी जो विद्वत्ता इतनी है कि उनको जो एस्ट्रोलॉजी गुरु सिंह बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर को परास्त कर दिया, और जिस भी विद्वत सभा में जाते थे सबको परास्त करके आ जाते थे, और अलग जैसे सूर्य छोटे छोटे तारों के बीच में जैसे चंद्रमा चमकता है ऐसे प्रभुपाद वहां चमकते, इसलिए सभी ने उनको क्या उपाधि दिया,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और उसके बाद में एक दिन उन्होंने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में कोई एक बाबा जी आए, वो बहुत भक्ति के जो पूर्ण रहस्य हैं उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, और वो भी उनके प्रश्न उसको सुनकर के बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि ये बाबा कौन है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि ये कोई और नहीं, ये है गौर किशोर दास बाबा जी। बोले ये एकांतिक भक्त दिन भर 24 के 24 घंटा राधा जी का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जहाँ देखते हैं वहां पर राधा जी को याद करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। इसको सुन करके जो प्रभुपाद बड़े प्रभावित हुए कि अगर मैं गुरु बनाऊंगा तो किनको बनाऊंगा, इनको ही भजन। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी उनको यही बोला कि गुरु बनाओ तो इनको बनाओ। भक्ति विनोद ठाकुर खुद गुरु हो सकते थे, लेकिन जगत में शिक्षा देने के लिए कि देखो आगे चल के क्या होगा, पिता ही फिर गुरु बनता चला जाओ, उसको उस जगत में ऐसी अवधारणा ना फैल जाए, इसलिए गुरु किसको करवाया, गौर किशोर दास उनके पास में भेजा। उन्होंने बोला कौन है, तो बोला मैं भक्ति सिद्धांत, बोला आपको गुरु बनाना चाहता हूं। बोला आप तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कृपा, आप तो कितने विद्वान हैं। बोला मैं तो ये सब कुछ जानता हूं, अब मेरे पास क्यों आए, मैं तो नहीं दे सकता, वापस भेज दिया नहीं। वो शिष्य किसी को बनाते ही नहीं थे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में आता ना शिष्य, नहीं ये भी किसी को शिष्य नहीं बनाते उसी प्रकार से। लेकिन जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी सेवा से गुरु जी को प्रसन्न कर लिया, उसी प्रकार पुनः 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 चेष्टा से प्रभुपाद ने भी गौर किशोर ठाकुर जी महाराज जी को प्रसन्न किया, चंद्रायन व्रत किया। इसको देख करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि ये बालक तो शरीर छोड़ देगा। फिर गौर किशोर ठाकुर जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने बोला कल आना। जब गए तो बोला मैं तो महाप्रभु से पूछ करके बताऊंगा। बोला फिर कल आना। कल गए तो बोले मैं पूछना भूल गया। ऐसे करते करते बड़ी मुश्किल से फिर वहां पर उन्होंने शिष्य रूप में स्वीकार किया है, इसलिए वहां पर प्रभुपाद जी की वहां पर दीक्षा हो गई है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। फिर प्रभुपाद जी ने अभी और दूसरे व्यक्ति ठीक है पर और वाले आ जाओ। बच्चे लोग सब सुन रहे हो ना, बोल सकते थोड़ा याद करना ठीक है। और तुम्हारी गुरुदेव जाना कौन है, जनार्दन महाराज, उनके पास जाना, कोई छोटी छोटी कहानी सुनने से सीखना ठीक है ना, छोटी छोटी कथा हमसे सीखना ठीक है, सीख करके तुम्हारी दो दिन बाद में तुम लोग बोलना, उसको दो दिन तैयार करना ठीक है। बच्चों सब जाकर एक कथा, तरुण तरुण है कहाँ, कुछ आ गया छुप कर बैठा, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपादष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ, दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। आज जिन महापुरुष का तिरोभाव है उन महापुरुष के चरणों में अनंत 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 कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमद महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ, यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज एक महापुरुष का जो है वो तिरोभाव उत्सव है। जब मैं शुरू शुरू में मठ में आया तो देखा, मैंने पूछा कि ये तिरोभाव क्या होता है, तब उन्होंने बताया था आज के दिन अप्रकट हुए हैं वह महापुरुष, इसलिए मैंने कहा अप्रकट होने पर भंडारा, अप्रकट होने पर भी यहाँ पर उत्सव होता है, तो कहते हैं हाँ क्यों, क्योंकि वे नित्य लीला में श्री राधा कृष्ण से दिव्य मिलन जो करेंगे, इस कारण से यह अप्रकट लीला है और इसीलिए इसी को ही तिरोभाव कहते हैं, इसीलिए आज उत्सव है। तो मैंने कहा वाह, धन्य है वैष्णवता और धन्य है वैष्णवों के सिद्धांत और धन्य है वैष्णवों के उत्सव, जहां जन्म के लिए तो होता ही उत्सव है उनके तिरोभाव में भी उत्सव होता है। श्री भगवान कह रहे हैं पद्म पुराण में कि जो मेरे भक्तों का उत्सव इस भूमि पर मनाता है उनका
उत्सव मैं अपने गोलोक वृंदावन में मनाता हूं, ये कहा है श्री भगवान ने। एक और बात देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग भजन कर रहे हैं, सब लोग समझते हैं, पूछते भी हैं लोग भजन कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक चल रहा है भजन, भजन कैसा चल रहा है, नहीं भजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन वास्तव में भजन कौन करता है और हम कैसे करते हैं, इसको श्रील रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, गुरुर भजन विक्रमात्, अर्थात श्रील गुरुदेव के भजन के प्रताप से ही हम लोग भजन कर पाते हैं, अन्यथा हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग भजन कर पाए। केवल गुरुदेव कृपा करते हैं और गुरुदेव के भजन के ब्याज के स्वरूप से और उसके प्रभाव से और उसकी दिव्य कृपा से ही हम लोग भजन कर पाते हैं, अन्यथा हम भक्त जीवों को तो बिल्कुल भजन में ना मन लगता है ना भजन हो पाता है। जितना थोड़ा इधर थोड़ा बहुत थोड़ा हल्का फुल्का भजन मानो हो भी रहा है तो केवल और केवल श्रील गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है। आज महापुरुष का जो तिरुभाव उत्सव है तो उसके विषय में मैं कुछ लाइन कुछ शब्द लिख करके लेके आया हूँ, तो इस कारण से ये पेपर जो है मैं हाथ में लेकर के आया हूँ, तो वो दो लाइनें जो है मैं उनके विषय में सुना देता हूँ जो गुरुदेव की ही कृपा से मैंने लिखी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु पाद जग माही आई करने गौरवाणी को प्रचार, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु पाद जग माही आए करने गौरवाणी को प्रचार, ब्रज विशुद्ध श्री कृष्ण भक्ति धन को करने परिवेशन, श्री जी के नयन की पुतली प्रगटी हां भूमि पर, करुणामय को ही जगत के कष्ट देख दुख पायो, नयन मणि मंजरी भेज जीवन को ताप नसायो, युगल के नित्य सेवामृत युगल के नित्य सेवामृत माधुर्य को आस्वादन आए करने गौरवाणी को प्रचार, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जग माही आए करने गौरवाणी को प्रचार। जब देखा प्रभु जी ने तो सब बता ही दिया कि ये साक्षात नयन मणि मंजरी है, श्री राधा रानी इतनी करुणामयी है कृपामयी है, जब देखा कि आहत तापित भूमौ, ये भूमि आहत हो रही है क्लेशों से कलुषों से किलबिषों से कष्टों से, जब आतत्रात हो रही है आह निकल रही है, तब श्री जी का हृदय जो है क्योंकि वे परम करुणामयी है ना, श्री जी करुणामयी जाकी करुणा की धार, जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नई, श्री जी करुणामयी। तो श्री जी ने क्या किया, कहा नैनमणि मंजरी को, भाई आप जाओ और जाकर के भजन का उपदेश करो, श्री भगवान की दिव्य सेवा की जो पद्यावली है उसका उपदेश करो, भगवान के विशुद्ध प्रेम तत्व का उपदेश करो, और प्रेम तत्व का उपदेश करके जन जन को भक्ति में प्रस्फुटित करो प्रस्तुत करो, तब जाकर के हृदय की समस्त कलुषता का भंजन होवेगा। इस कारण से उन्होंने श्री जी ने कृपा करके नैनमणि मंजरी को भेजा। दुखित देख जीव को सहज जो द्रवई, इनकी सुधिलुरी सखी ऐसी प्रेरणा दई, श्री जी करुणामयी जाकी करुणा की धार, जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नई, श्री जी करुणामयी। हमारे श्रील प्रभुपाद जी को देखो, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम लोगों ने जो भूमिका है वो तो देख ही ली, अब इनके इनके अंदर क्या है, क्या इनको क्या प्रिय है, आप एक बार वो देख लीजिए, क्या इन्होंने अपनाया है और क्या ये वितरित कर रहे हैं, इसकी एक झांकी देखिए। श्री प्रभुपाद जी को, श्रील प्रभुपाद जी हरि कथा में नित्य आविष्ट रहते थे, नित्य आविष्ट ही हरि कथा में रहते थे, बार बार कहते थे अरे मुझसे हरि कथा सुनो, मुझसे हरि कथा सुनो, जो उनके आनुगत्य में आते जो उनके पास लोग आते उनको कहते देखो तुम मेरे कमरे में बिना कहे आ जाया करो और आकर के हरि कथा श्रवण कर लिया करो, बस यही तुम्हारी गुरु सेवा है और कुछ नहीं। हमारे श्रील गुरुदेव जो विराजित हैं वे भी तो यही बात कहते हैं, हरि कथा के बिना क्या करते हो,
सारी की सारी माताओं को यही कहते घर जाके बस काम करना, काज करना, रोटी बनाना, झाड़ू पोछा ही करना है तुम्हें, हरि कथा नहीं कहनी है। तो केवल और केवल मानव प्रभुपाद जी के शब्दों को आप तक श्री गुरुदेव पहुंचा रहे हैं, ये वेदवाणी को पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रील पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति विधान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे, वेदांत सूत्र और वेद के दिव्य सिद्धांत और श्रील प्रभुपाद जी की वाणी में कोई भेद नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने एक और बात कही, वे बोले, वे कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, उनके चरित्र और हमारे सचिनंदन गौर हरि के शिक्षाष्टक और श्रील प्रभुपाद जी के आचरण में कोई भेद नहीं है। जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रिंट आउट निकालते हैं ना प्रिंट आउट मशीन से, तो मानो कंप्यूटर के अंदर टाइप किया शिक्षाष्टक और कॉपी आई है, साक्षात इनका आचरण, प्रभुपाद जी का आचरण, ये भी उन्होंने कहा है। दूसरी बात, ये तो इनका एक बात हो गया, और सदा हरि कथा में नित्य आविष्ट रहते थे और हरि कथा के बड़े प्रेमी थे, बड़े प्रेमी थे कि हरि कथा सुन लो, हरि कथा सुन लो, हरि कथा सुन लो। एक पहर में जब ये हरि कथा कहते तो एक पहर ऐसे सहज बीत जाता, इनको पता ही नहीं लगता कि एक पहर भी बीत गया, इतना प्रिय था इनको हरि कथा, इतनी प्रिय इनको हरि कथा थी। तो इसीलिए ही आनंदित होए हरि कथा का वाचन परम मनोहर, देखिए आनंदित होए हरि कथा का वाचन परम मनोहर, प्रभु के लीला चरित की मंदाकिनी बहे अति सुंदर, कीन प्रदान परम सेवा नित करो श्रवण हरि गुण गण, जब इच्छा हो बिना विचारे आओ निकट सदन मन, मेरे सदन में बिना इच्छा के आ जाया करो हरि कथा सुनने, यही है सेवा तुम भक्तन की पुरव याही, आए करने गौरवाणी को प्रचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जग माही, आए करने गौरवाणी को प्रचार। दूसरी बात इनकी, दूसरा इनका, इनकी इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, देखो ये सत्यम परम धीमही, श्रीमद् भागवत जी के जो पहला मंगलाचरण है सत्यम परम धीमही। देखिए श्रीमद् भागवत जी अगर मान लो लास्ट में लिख देते कि विष्णु परम धीमही अथवा श्री कृष्ण परम धीमही अथवा शिव परम धीमही, अगर विष्णु परम धीमही लिखते तो सारे वैष्णव सोचते कि केवल ये हमारा ही ग्रंथ है, वैसे तो वैष्णव नाम हृदय भागवत जी, लेकिन फिर शैव पूछते क्या हमारे लिए यहाँ पे शरणागत नहीं, क्या हम इसमें शरण परम नहीं हो सकते, तो इसलिए ना शैव शरणम मम लिखा, ना ही वैष्णव परम पदम लिखा, केवल सत्यम परम धीमही लिखा। क्यों? क्योंकि परम सत्य श्री भगवान है, और इनका क्या है? और इनका सिद्धांत क्या था प्रभुपाद जी का, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ये क्या, देखो इन्होंने कभी सत्य को गोपनीय नहीं रखा, कभी भी इन्होंने कभी सत्य को गोपनीय नहीं रखा, धर्म निरपेक्षता इनका अपार गुण रहा है। एक बार क्या हुआ, जब नया नया प्रचार शुरू किया श्रील प्रभुपाद जी ने, तो क्या हुआ, एक प्रचार के अंदर तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ही, अब पैसे की जरूरत पड़ी तो एक व्यक्ति है, एक सेठ है कलकत्ता के, साक्षी गोपाल बड़ाल के नाम से, तो उन्होंने क्या किया, पैसा दिया उनको और इनकी मदद करी, और सेवा के अंदर पैसा दिया तो मठ को चलाने के लिए और क्या कहते हैं प्रचार करने के लिए पैसा दिया। अब देखो क्योंकि ये सत्य को कभी गोपनीय नहीं रखते थे, तो एक बार वो क्या बोले, एक बार साक्षी गोपाल जी क्या बोले कि प्रभुपाद जी मैं कहीं से हरि कथा सुन के आया हूं, और इतनी बढ़िया हरि कथा सुनाई है उन्होंने व्यास ने, कैसे आपको कैसे पता, कहा कि जब वे मिलन का वर्णन करते तो सारे के सारे प्रसन्न हो जाते वहां पर श्रोता, और जब वे विरह का वर्णन करते तो सारे के सारे रोने लग जाते। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हें ठग लिया तुम्हें उसने, क्यों, क्योंकि वहां पर उसको विरह हो रहा है और फिर मिलन में वो हंस रहा है, और घर जाकर के वही गृहस्थियों के आटे चक्की में पिस गया। भगवान की दिव्य कथा जो विरक्ति प्रदान करते वही तो भगवान की दिव्य कथा है। इस कारण से क्या किया, यही किया, केवल और केवल आंख के आंसू दिखा करके ही जो व्यास इत्यादि जो आजकल के हैं
मैक्सिमम वो यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और इनको इनका श्रवण करने से कभी कल्याण नहीं होता। एक बार की बात बताएं, एक बार अलीगढ़ में कथा हो रही थी, तो अलीगढ़ में एक व्यास ने इतनी सुंदर विरह का वर्णन किया दुख का कथा में, तो सारी जनता रोने लग गई सारी। एक मैया ने आकर के व्यास से पूछा, बाबा क्या तुझे विरह नहीं हो रहा, क्या तेरे को दुख नहीं हो रहा, तू क्यों नहीं रो रहा? तो उसने कान में चुपचाप कहा व्यास ने, मैया आखिरी में यदि दक्षिणा कम मिली ना तब रोऊंगा। बताओ ये सब चल रहा है, तो इसलिए इन्होंने कहा। दूसरी घटना इनके साथ, एक बार क्या हुआ, कलकत्ता श्री कृष्ण प्रभुपाद जी को आना जाना रहता था, तो एक सेठ हुए हैं, वे कोलकाता कॉरपोरेशन के आर्किटेक्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आप चिंता मत करो, हम लोग यहीं कलकत्ता में ही रहने की आपकी व्यवस्था कर देते हैं, आप कलकत्ता में ही हम लोग जमीन देख देते हैं, और उन्होंने काफी किराया भी दिया प्रभुपाद जी को आने जाने का। तो ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा, एक बार श्री प्रभुपाद जी नाम अपराध का वर्णन कर रहे थे, नाम अपराध का वर्णन करते हुए इन महाशय ने कहा, नाम अपराध क्या होता है, नाम तो सुना है हमारे गुरु, क्योंकि ये जो इनके जो गुरु थे इन्होंने किसी गोसाई जाति से जो है नाम लिया था, उनको गुरु बनाया था, अब उनको तो ये नहीं पता कि नाम अपराध क्या होता है। अब ये नाम अपराध का जब वर्णन करने लगे तो गए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी नाम अपराध भी होता है क्या नाम लेने में? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं होता नाम अपराध, बोले हमारे गुरु ने तो कहा कि नाम नित्य शुद्ध है और नित्य शुद्ध नाम में कहा नाम अपराध, तो कहा तुम्हें ठग लिया गया है। फिर से कहा उन्होंने, ये जो नाम को दे दे करके कान में नाम को बेच रहे हैं, कथा को बेच रहे हैं, इससे श्रोता का भी नुकसान होता है, श्रोता का भी अकल्याण होता है और वक्ता का भी अकल्याण होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो महाशय ने प्रभुपाद जी को त्याग करके ही वे चले गए। तो ये जानते थे कि क्या परिणाम होने वाला है, परंतु इन्होंने सत्य का कभी गोपनीय नहीं रखा। सत्य जहां बोलना था, सत्य का प्रदर्शन जहां इनको करना था, इन्होंने सत्य को सबके सामने उघार दिया, मतलब सत्य को कभी, ये धर्म निरपेक्षता, इन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष होए बिना कभी भी धर्म का, धर्म की ध्वजा लहरा नहीं सकती। इस कारण से इन्होंने बहुत अत्यंत अत्यंत ऐसे ऐसे सूक्ष्म विचार हैं इनके। और फिर बहुत सारी इनकी और भी कथाएं हैं, और एक है इनका, इनके विषय में एक बहुत अच्छी बात है, इनकी शरणागति का जो तत्व, जो इन्होंने शरणागति के ऊपर बोला है, बहुत सुंदर बोला है। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, प्रत्येक वैष्णव का क्या कर्तव्य है, शरणागति के विषय में इन्होंने कहा शरणागति का एक ही बात है कि हम लोग केवल और केवल राधिका, राधिका जी के ऊपर ही आश्रित हैं, श्री राधिका के ही हम लोग पाल्य हैं, इसलिए उनको छोड़ करके, श्री राधा कृष्ण के दिव्य शरणापन्न हुए बिना उनको छोड़ करके यदि व्यक्ति अपने लिए चेष्टाएं करता है, अपने सुख की चेष्टाएं करता है, तो वह शरणागति नहीं है, वह शरणापन्न नहीं हुआ। प्रभुपाद जी के वचन है ये, महाराज गुरुदेव ने मुझे लिखवाए थे पिछले साल। तो इसलिए उन्होंने यही कहा था कि पूरे के पूरे शरणापन्न हुए बिना कभी भी जागतिक अपमान नहीं जाएगा व्यक्ति का, इसलिए व्यक्ति का सुख इसी में ही है कि पूरा का पूरा शरणापन्न हो जाए। अरे ठाकुर जी ने जब कह रखा है, ये ठाकुर जी का वचन है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचयेत अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतं मम। अरे मेरा व्रत है कोई एक बार भी आ जाए कि प्रभु आपकी शरण है, आपकी शरण है, तो कहा मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त करके उसको अपने शरण में लेता हूं। जब विभीषण, जब विभीषण शरणागति में विभीषण जी आ गए ना, तो जब विभीषण आए तो बाहर खड़े थे विभीषण जी, तो सुग्रीव जी ने कहा राम जी से, नहीं नहीं इनको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि शत्रु के भैया हैं, तो शत्रु के भैया हैं, तो नहीं शत्रु के भैया हैं और हमारे वैरी हैं, हम नहीं लेंगे। फिर राम जी ने अपने विचार करके, अपने मन में थोड़ी देर सोच करके कहा, नहीं हनुमान जाकर के बुला लो विभीषण को कि आ जा, कोई बात नहीं शत्रु का भाई है तो क्या हुआ, आ जा। तो सुग्रीव जी ने मन में सोचा कि अगर मैं ये सारी की सारी वानर सेना को लेकर के चला जाऊं, ये राम जी ने मेरी बात नहीं मानी, तो राम जी के युद्ध जीत पाएंगे, और भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भगवान ने कहा सुग्रीव जी ये जितने भी बंदर भालुओं का तमाशा इकट्ठा कर रखा ना तुमने, ये ले जाओ, मेरे पीछे देखो सावधान होकर के कौन खड़ा है, स्वयं श्रीमान लक्ष्मण, जिनके एक बाण से ही पृथ्वी में और पूरे भूमंडल
रहेगा। जब ऐसा कहा तो सुग्रीव जी को भान हो गया कि ये शरणागति नहीं है, फिर वे उनके शरणापन्न हुए। इस कारण से ये शरणागति का दिव्य संस्करण श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें श्रवण करने को मिलता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा जनार्दन ये एक शब्द तुम बताओ आ जा दो दस सामान आ गया छोटा सामान आ गया अरे ये अरे ओम अज्ञान तमरंदस्य ज्ञानंजन सुलभया चक्षुरुन्मीलितं मनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद एक साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बात जोर से हरे सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूँ। समस्त गुरुवर्ग के चरणों में उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायुक्त दंड प्रणाम। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी की आज त्रियोह तिथि है और अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने प्रभुपाद जी के विषय में कुछ बताया कि जैसे कि जब श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में थी तो उन्होंने देखा कि जीवों की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय स्थिति है, तो उन्होंने उन पर कृपा करने के लिए प्रभुपाद जी को इस धाम में प्रकट कराया हम सब लोगों पर कृपा करने के लिए। और जैसे कि अभी हमने प्रभुपाद अष्टकम सुना है, उसमें प्रभुपाद अष्टकम में चलो भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बहुत अच्छी बात बताते हैं प्रभुपाद जी के बारे में कि विपुली कृत वैभव गौर भुवन भुवनेश्वरी गौर गणीकृत गौर पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। इसमें बता रहे प्रभुपाद जी के बारे में कि कैसे प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी कि जो वशिष्ठ है और जो उनका चैतन्य महाप्रभु जी का जो वशिष्ठ है कैसे प्रकाश किया उन्होंने और चैतन्य महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं और सारी जो शिक्षाएं वो कैसे अपने शिष्यों के हृदय को प्रकाशित की। तो जो प्रभुपाद जी थे वो हमेशा एक बात कहते थे, मैं इस जगत में वैकुंठ की वार्ता का वाहक हूँ, इस जगत में वैकुंठ की वार्ता का मैं वाहक हूँ। तो जो प्रभुपाद जी है वो कैसे वैकुंठ की वार्ता के वाहक थे, तो उस विषय में हम जानेंगे कि देखो जैसा कि गुरुदेव ने बताया था कि जो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है कि क्या है नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामि। तो भक्ति सिद्धांत जो सिद्धांत जो दिया गया है ये क्या है जागतिक लोगों के, इसमें बताया गया जो बहुदक और हंस परवंश ये सब क्या है ये सब एक जो लोगों को दिए जाती है उपाधि दी जाती है, तो उसमें सरस्वती है जो सबसे ऊंची उपाधि है। तो अभी हम जब देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी ने कैसे लोगों पर कृपा की और कैसे वैकुंठ की वार्ता का उन्होंने यहाँ प्रचार किया, तो सबसे पहले एक नाम आता है मदन मोहन मालवीय। आप सबने देखा होगा सुना होगा कभी स्कूल में या कभी नेट में सर्च करना, वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत ही बड़े शास्त्रा और बहुत ही बड़े कवि, उनको एक उपाधि मिली थी एक सम्मान मिला था अवार्ड कहते हैं जिसे महामना अवार्ड, जो सिर्फ कुल में मिला आज तक और किसी को मिला ही नहीं। तो एक बार उनकी भेंट प्रभुपाद जी से भी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद आपने मैंने सुना है कि आपने एक पत्रिका शुरू की है दैनिक नदिया प्रकाश, तो आप उसके अंदर जो इतनी दैनिक नदिया प्रकाश जो आपने पत्रिका शुरू की उसके अंदर जो इतनी सारी खबरें लाओगे जो इतनी सारी कथाएं लाओगे शिक्षा लाओगे कहां से लाओगे,
डेली डेली कहां से लाओगे, ये कब तक चलेगा? तो प्रभुपाद जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, बोले कि मुझे ना तुम्हारी बातें सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि तुम जैसा विद्वान ऐसी बातें कर रहा है कि हम इस जगत में इस पत्रिका के लिए मैं इतनी सारी जो शिक्षाएं कहां से लाऊंगा। कह रहे देखो ये जो जगत है ना, ये जगत है ये बहुत छोटा है और इस जगत से भी बड़ा क्या है, चित जगत है। इसको बोलते हैं एक पार विभूति और वो भी त्रिपाद विभूति, इस जगत का तीन गुना। और इस तीन गुना जगत में जो है जो चित जगत इस जगत से तीन गुना बड़ा है और ये जगत तो बहुत छोटा है। और इस जगत में बताया गया कि कई अनेक करोड़ों ब्रह्मांड है, उस करोड़ों ब्रह्मांड में भी, इस करोड़ों ब्रह्मांड में भी एक छोटा सा ब्रह्मांड, ये हमारा जो है ब्रह्मांड, सबसे छोटा ब्रह्मांड। क्यों छोटा ब्रह्मांड? बताया गया कि हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी होते हैं, तो हमारे जो ब्रह्मा जी होंगे कितने सिर है, चार। और बताया कि लाखों सिर वाले ब्रह्मा जी होते हैं, तो जो हमारे जो ब्रह्मांड है तो बड़ा छोटा है, चार मुखी ब्रह्मा जी का छोटा सा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में भी एक 14 भुवन 14 लोक में एक छोटी सी पृथ्वी, और एक छोटी सी पृथ्वी के अंदर भी आप जो कहेंगे बहुत सारे देश है, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, इंडिया। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा क्या है, भारत, बहुत ही छोटा। अब उस छोटे से भारत के अंदर ही बहुत छोटे छोटे प्रदेश है, कैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और छोटे छोटे स्टेट। अब उसके अंदर भी छोटे छोटे एक राज्य, उपराज्य, आप देखोगे छोटा सा क्या है, नवदीप धाम, नवदीप। अब इसके अंदर आप देखोगे कि रोज सुबह इतने सारे न्यूज पेपर छपते हो, इतनी कथाएं, इतनी खबरें कैसे आती उनके पास। तो कह रहे कि जब इस छोटे से जगत में, छोटे से शहर में जिसकी कोई गिनती नहीं है, इसके अंदर इतनी खबरें चल सकती है, तो क्या हमारे जो दैनिक नदियां प्रकाश करने जो वैकुंठ का अचित जगत का है, तो क्या उसके अंदर इतनी खबरें नहीं चल सकती? तो ये सोच के बिल्कुल वो हैरान हो गए कि हाँ ये कैसी बात कर रही है। तो उनको बड़ा रियलाइज हो गई, मैंने ये कैसे इनके अंदर ऐसी बातें कहां से आ गई। तो उन्होंने फिर एक और प्रश्न किया कि प्रभुपाद आप एक बात बताओ, जो वर्ण है वर्ण संकर, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, आप इसको सही नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि आपने जो शूद्र है क्षत्रिय है उसको भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं, उसको भी ब्राह्मण बना देते हैं, उसको भी दीक्षा दे देते हैं, उसको भी ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो बात ऐसी है, उन्होंने शास्त्रों का बताया कि देखो भगवान ने भगवदगीता में बताया कि जो जन्म से तो मनुष्य के है शूद्र है, और सबके सब कैसे है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार उनका वर्ण निश्चित हुआ है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है और उसके कर्म आगे जाके कैसे शूद्र वाले, तो वह शूद्र कहलाया जाएगा। और उन्होंने शास्त्रों में से भागवतों से भी उदाहरण दिए कि जैसे कि उन्होंने बताया कि जो ये भागवतों से उदाहरण दिए कि जैसे कि विश्वामित्र जी थे, वो जाति से कहते क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने क्या किया आगे जाके उनका जो क्रियाकलाप था वो क्या था, ब्राह्मण, तो उनको ऐसे ब्राह्मण ट्रीट किया गया। उसी तरह दूसरे थे लेकिन उनका जो क्रिया क्या थी वो क्षत्रिय थी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म आया तो उसी को सब कुछ अधिकार है, वही पूजा पाठ कर सकता है, वही दीक्षा दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने शास्त्र के उदाहरण से उनको समझाया। तो जब ऐसी बातें समझाई उन्हें तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी बातें कहां से आ सकती हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण आया, दूसरा आप लोगों ने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उन्होंने क्या लिखा है बच्चों को पता होगा, राष्ट्रीय जनगण मन है ना, रविंद्रनाथ टैगोर आप स्कूल में जाते हो, तो उन्होंने लिखा है, उनको क्या बोलते हैं सब, गुरुदेव। उस समय के सबसे महान व्यक्ति, उनको उस समय का सबसे बड़ा उपाधि मिली हुई थी, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, तो उनको सब गुरुदेव गुरुदेव कहते थे। तो उनकी भेंट भी प्रभुपाद जी से हुई। तो जब प्रभुपाद जी के पास आए तो प्रभुपाद जी ने बड़ी दैन्यता से उनसे पूछा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा कि मैं चाहता हूं कि मैं बाहर जाके विदेश में जाके प्रचार करूं, तो मुझे किस देश में जाना चाहिए, मैं किस देश में जाके प्रचार करूं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि बाहर की स्थिति तो बड़ी खराब है, वहां पर साधु की स्थिति बड़ी खराब है, वहां साधु को भी पूछता नहीं, क्योंकि जो भी अभी तक साधु गए हैं वो सबके सब वहां जाके उन्होंने उद्धार भी किए हैं और वहां के लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। तो ऐसे ऐसे जब वार्ता चल रही थी तो प्रभुपाद जी ने उनको
महाप्रभु जी के मिशन के बारे में बताया कि देखो परम महाप्रभु जी का मिशन ये है। तो जब उन्होंने बात सुनी और उन्होंने बातों बातों में छोटी सी बात बोली जो अपराकृत सहजिया, तो ये जब बात सुनी तो उन्होंने टैगोर ने सोचा कि मैंने तो सारी डिक्शनरी पढ़ी हुई है, सारे शब्द मैं जानता हूँ, ये अपराकृत सहजिया वर्ड कहाँ से आ गया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से जिज्ञासा की, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अपराकृत सहजिया, सहजिया का अर्थ क्या है, जिसका कृष्ण से और सहजी प्रेम हो, बिल्कुल सहज रूप में प्रेम हो। तो कैसे, जैसा कि प्रेम कैसा नंद बाबा का, यशोदा मैया का, गोपियों का, ये क्या है अपराकृत जगत की बात है। तो क्या हुआ अपराकृत सहजिया प्रेम, लेकिन जो इस जगत में है जो एक ध्यान कर रहे हैं ये क्या है प्राकृत सहजिया। तो उन्होंने बड़ा खंडन किया। तो ये सुनकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि नहीं अब तुम विदेश जाओ। मैंने पहले सोचा था कि नहीं कोई प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन तुम विदेश जाओ, अगर तुम जाओगे तो वहां जरूर भक्त बनेंगे। तो उन्होंने कहा तुम ही जाओगे तभी भक्त बनेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं और मेरे भक्त जो मेरे जो शिष्य है उनमें कोई भेद नहीं है, मैं जाऊंगे मेरे शिष्य जाए तो वह कोई भी जाकर प्रचार कर सकता है। तो मैंने फिर अपने एक शिष्य भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी को वहां विदेश भेजा प्रचार करने के लिए। अब तीसरे जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस, है ना, उनका नारा क्या था बच्चों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने एक आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था, बड़े बड़े प्रवक्ता थे वो, ऐसे थे कि सामने वाले का ब्रेन वॉश कर देते थे, युवाओं को जो प्रेरित कर लेते थे मेरी संगठन में जुड़ो, ऐसे थे वो। तो उनकी प्रभुपाद जी से भेंट भी, उन्होंने कहा चलो प्रभुपाद जी के पास देखा, उन्होंने काफी सारे ब्रह्मचारी हैं तो उनके पास गए हूँ कि मैं उनसे थोड़ी मदद मांगूंगा अपनी जो सेना को और स्वतंत्रता संग्राम में इनको अपने साथ जोड़ लूंगा। तो जब उनको उनके पास गए प्रभुपाद जी के पास, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी मैंने सुना आपके पास एक काफी सारे ब्रह्मचारी हैं, तो आप मुझे कुछ ब्रह्मचारी मुझे दे दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस से बोला कि आप क्या करोगे। उन्होंने बोला कि देखो मैं ना स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अभी देश को आजाद कराना है। तो उन्होंने कहा अच्छा देश को आजाद कराना, कैसे आजाद कराओगे। कह रहे कि आप मुझे अपनी सेना जो लोग दो और हम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो प्रभुपाद जी तो बताया ना कि वैकुंठ की वार्ता, उनकी तो वार्ता बिल्कुल वैकुंठ वाली। उन्होंने कहा अच्छा सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा कि आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है। तो पहले के लोग तो सारे भगवत गीता पढ़ते ही थे। उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ी है। तो उन्होंने कहा आपने भगवत गीता का ये भी श्लोक सुना होगा, यम यम वापि स्मरणं भावं तज्जते कलेरं तम तम यदि अंत कंते अंतर्भाव, कि जो अंत समय में जिस भाव में होगा वो उसी भाव में प्रवर्तित हो जाएगा। कह रहे हाँ मैंने पढ़ा है। तो कह रहे आप अभी किसकी साइड से लड़ रहे हो। कह रहे इंडिया की साइड से। तो ठीक है कहते अगर तुम लड़ते लड़ते मर गए तो किसके भाव में होंगे। कह रहे अंग्रेजों के। तो कह रहे तुम्हारा अगला जन्म क्या होगा अंग्रेज का। तो कह रहे फिर अगले जन्म में किसके तरफ से लड़ोगे, अगले जन्म में तुम अंग्रेजों की तरफ से लड़ोगे। तो ये सुन के तो सुभाष चंद्र बोस की हालत खराब हुई। तो क्या बोलो सुभाष चंद्र बोस जी सोचने लगे कि अब ना ये तो बिल्कुल बात सच कह रहे हैं, मैंने भी पढ़ी हुई है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया कि देखो जिस प्रकार भरत महाराज ने अंतिम समय में किसका स्मरण किया था, हिरण का, उन्हें हिरण बनना पड़ा। गोप कुमार ने स्त्री का चिंतन किया था, स्त्री बनना पड़ा। और तुम हम अगर तुम जाके युद्ध करोगे अंग्रेज का चिंतन करोगे तुम क्या बनोगे, अंग्रेज बन जाओगे। फिर अगली बार हमें मारोगे है, हमें मारोगे। तो सुन के सुभाष चंद्र बोस की आगे नीचे हो गए। तो उन्होंने कहा देखो बात तो ऐसी है कि अब मैं स्वतंत्रता इस संग्राम में कूद चुका हूँ, अब तो मैं पीछे हट नहीं सकता क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और वहां चले गए। तो देखो ये तीन ऐसा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी के बारे में हमें पता चलता है। और एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक जगह कीर्तन करने प्रोग्राम था, तो वहां गए थे। तो प्रोग्राम में जब उन्होंने देखा तो वहां भक्तिविनोद ठाकुर जी के एक शिष्य थे, बहुत बड़े कीर्तनिया थे उस समय के जाने माने कीर्तनिया। तो उन्होंने हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को अपने पास बिठा लिया और हारमोनियम तबला सब चाहते थे और उनके साथ बैठ के वो कीर्तन करने लगे। बड़ी देर तक बड़े प्यार से कीर्तन करने लगे। उन्होंने एक हरि नाम को करने में 20 से 25 मिनट लगा दिए। तो जब प्रभुपाद जी ने देखा तो उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को बुलाया कि कीर्तन हो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ कीर्तन तो हो गया। उन्होंने बोला समझाया उन्हें देखो कैसी शिक्षा दी। कह रहे जितनी देर तुम वहां बैठे ना उतनी देर में तुम्हारी दो तीन महाराज हो जाती।
क्या इसमें कीर्तन में बैठना गलत है? नहीं, तो वहां बताएंगे कि जो प्रभु की शिक्षा दे रहे हैं कि जो कीर्तन है ना, कीर्तन में जैसी परंपरा में जैसे गुरुवर गा रहे उसी भाव में गाना चाहिए, अपनी तरह सुर मिला के ताल मिला के, तो उसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? ये कौन सा संप्रदाय है? ताल ठोका संप्रदाय है, है? ये ताल ठोका संप्रदाय है। तो किनको बोल रहे प्रभु? जो किनके शिष्य है? भक्ति में ठाकुर जी के शिष्य है, उनके लिए बोल रहे हैं। ये स्टैंड से ग्रेटिफिकेशन सिर्फ आत्म तृप्ति के लिए, तो बड़ी अच्छी शिक्षा दी उनके लिए कि कभी सुरताल में ध्यान रखो, इसमें ध्यान रखो भाव में, भाव में। जब प्रभुपाद जी ने अंतिम लीला कर रहे थे ना, तो उन्होंने किसे बुलाया था? बहुत बड़े बड़े कीर्तनिया थे, उन्होंने किसे बुलाया था? भक्ति रक्षक सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी को, कि मुझे एक तो कीर्तन सुनाओ। कौन सा? यही मेरे संपद है, तो उन्होंने कीर्तन गाया, जबकि उनकी आवाज अच्छी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन क्या था उनके अंदर? भाव। तो एक बार ऐसी बात आती है, एक बार जब प्रभुपाद जी ग्रंथों की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति को बोला, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता था, उसने कहा प्रभुपाद जी मैं आपके जो ग्रंथों का ट्रांसलेशन करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने ठीक है, आप थोड़ा से तुम्हें मैटर दिया, इसको आप ट्रांसलेट करो। तो उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया और एक ब्रह्मचारी का भिजवाया। अच्छा, ब्रह्मचारी ने देखा और बड़ा, अरे बड़ा अच्छा, और हैंडराइटिंग उनकी ऐसी, और बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन किया हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा और बोल दिया कि उसको बोलकर डोंट प्रोसीड फर्दर, आगे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मचारी लोग हैरान हो गए कि इतनी अच्छी अंग्रेजी और इतना अच्छा उन्होंने व्याख्या की है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने बताया कि उन्होंने लिखा तो अच्छा, सब कुछ अच्छा लिखा, लेकिन उन्होंने क्या करा, भाव को नहीं कैरी किया, मतलब जो भाव थे ना, जो वास्तव में जो भाव थे वो नहीं संभालता है। तो सबसे अच्छी चीज मैटर क्या करती है? भाव। तो कीर्तन में उन्होंने ये समझाया कि जो कीर्तन आप कैसे भी कर रहे हो, कैसे भी आवाज से कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर भाव जरूर होना चाहिए। हम भाव के चक्कर में क्या करते हैं? साउंड के चक्कर में अपनी आवाज बनाने के लिए और भाव को भूल जाते हैं। तो ये बड़ी सी शिक्षा दी। और एक बार छोटी सी बात और याद है, एक बार मठ में एक स्त्री आई नींबू लेके, तो उन्होंने पुजारी जी को नींबू दिए। तो पुजारी ने क्या करा कि नहीं नहीं, हमारे पास बहुत सारे नींबू ले जाओ, क्योंकि उस समय उनके वो बगान थे नींबू के, और इतने नींबू होते थे गिर के सड़ के खराब हो जाते थे। तो उन्होंने नींबू नहीं लिए। तो जब प्रभुपाद जी ने देखा तो उन्होंने बुलाया, उस स्त्री को बुलाया और नींबू लिए उससे, और पुजारी को बोला ये लो नींबू, इसको भगवान के ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। तो शिक्षा दी कि हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति की सेवा वो ग्रहण करते थे। तो ऐसा ही उदाहरण हमें हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज जी की, अभी मैंने कुछ दिन पहले कथा सुनी थी, उसमें एक मथुरा में एक स्त्री आई, थोड़ा सा थैली में आटा लेके आई और बड़ा रोली, रोते रोते गुरुदेव के पास, पर पुजारी के पास आई, पुजारी से बोला मुझे गुरुदेव से मिलना है। तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो गुरुदेव के पास पहुंची और उनके पास जाके बोलने लगी कि ये मैं ना, मेरे पास यही है बस, मेरे पास आटा है थोड़ा। तो गुरुदेव ने बड़े प्रसन्न होकर आटा लिया है और उसको लिया और एक प्रभु जी थे रामानंद प्रभु जी, उनको दिया कि ये लो, इस आटे को लो, इसकी रोटी बनाओ, ठाकुर जी भोग लगा, मुझे जरूर देना। तो देखो कैसे भक्त है, हर एक छोटे छोटे व्यक्ति की छोटी छोटी सेवा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हमने देखा जैसे हमारे गुरुदेव है, मैं जब पहले स्कॉल में था तो वहां पर देखता था कि हमारे बड़े बड़े जो आचार्य लोग हैं, बड़े बड़े घरों में जाते थे, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े वक्ताओं कथा वक्ताओं को मैंने देखा था। लेकिन जब मैं गुरुदेव से जुड़ा तो मैंने देखा कि मैं गुरुदेव के साथ कई होम प्रोग्राम में गया तो देखा तो ऐसे छोटे छोटे घरों में है जिनकी दीवारें टूटी हुई है, बैठ के बेडशीट फटी हुई है, लेकिन गुरुदेव बिल्कुल आराम से बैठ के कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे। तो ये सब क्या है? परंपरागत मिला हुआ है ना, परंपरागत मिला हुआ है। जो प्रभुपाद जी थे ना वो बिल्कुल निडर थे, जो बोलना होता था सामने बोल देते थे, किसी से कोई भय नहीं था है ना। तो जब उनको एक बार प्रभुपाद जी कहीं गए हुए थे किसी सम्मेलन में, तो एक सम्मेलन में बाग बाजार बॉलीवुड के राजा थे, उन्होंने उन्हें सम्मेलन में बुलाया कि आप हमारे सम्मेलन में आओ। तो जो वहां और लोग थे ना जो वहां के, वो प्रभुपाद जी से चिढ़ते थे, जो बाबा सहजिया लोग, बाबा लोग, ये सब अलग अलग संप्रदाय के लोग। तो उन्होंने राजा से बोला कि राजा अगर प्रभुपाद जी को हमने बोलने के लिए दिया तो हम नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने जो वहां का राजा था ना, उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दिन बाद, दो दिन बाद, चार तीन दिन, चार दिन प्रभुपाद जी वो चार दिन तक वहीं रहे, ठीक है। फिर पता चला उनके जो नौकर सेवक ने बताया राजा को कि एक जो प्रभुपाद जी है उन्होंने चार दिन से अन्न भी ग्रहण नहीं किया। तो बाद में पूछा कि हमने क्यों अन्न ग्रहण किया नहीं किया, तो उन्होंने बताया कारण
कि मैंने स्नेह ग्रहण नहीं किया क्योंकि आपने मुझे एक बार भी महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करने का अवसर नहीं दिया। तो अगर मैं आपने मुझे अवसर ही नहीं दिया और मैं आपका अन्न खाएंगे तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। इसलिए तो मैं फिर उन्होंने उनको थोड़ा 5 मिनट का बोलने का अवसर दिया। तो उन्होंने वहां पर बड़ी अच्छी थोड़ी बात बताई कि ब्रह्मा भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद वाय भक्ति लता बीज। तो उसकी छोटी सी व्याख्या की और जब ये राजा ने सुनी वहां के तो राजा भी उनका शिष्य बन गया। तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्रभुपाद जी थे तो यही शिक्षा उनके जो शिष्य थे भक्ति अभी उनका मुझे नाम नहीं आ रहा तो वो भी प्रभुपाद जी की तरह बिल्कुल उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्होंने क्या किया था वो जब भी कहीं जाते थे कहीं भी कथा करने किसी के हाउस प्रोग्राम में अपने साथ एक पानी की बोतल ले जाते थे। हाँ भक्ति राधा गोसाई महाराज जी अपने साथ पानी की बोतल ले जाते थे। क्यों ले जाते थे कि अगर उन्होंने वहां जाके मुझे शुरू में कीर्तन करने दिया तो मैं उनके घर का पानी और जो भी भोग है ग्रहण करूंगा। अगर उन्होंने मुझे शुरू में कीर्तन करने नहीं दिया या मेरा अवसर ही नहीं आया कथा करने का महाप्रभु जी की वाणी को प्रचार करने का मुझे अवसर नहीं मिला तो मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा और अपना पानी पी के आ जाऊंगा। तो देखो ये वैशिष्ट और बिल्कुल जो भी वो बोलते थे प्रभुपाद जी के शिष्य। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो वो प्रचार करने गए होते तो प्रचार करने गए थे तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बुक दिखाई तो एक बहुत बड़े पंडित थे उन्होंने देखा तो बोला ये बुक तो अच्छी है इसमें शिक्षाएं ऐसी है लेकिन जो तुमने बाबाओं की फोटो लगा रखी है इसमें इनको हटाओ। तो उनको बड़ा गुस्सा आया प्रभुपाद जी के शिष्य थे भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी। उन्होंने देखा अरे तुम हमारे गुरुवर के बारे में से बोला जिनके हम आश्रित हैं है? तो उन्होंने उनको ऐसी बात बोली कह रहे कि अगर तुमने हमारा हमारे कुल का अगर तुमने हमारे मतलब हम लोगों का पिशाबी पान कर लिया ना तुमने तो तुम्हारा कुल पवित्र हो जाएगा है। तो कह रहे तुम ऐसे मतलब निडर बिल्कुल हमारे जो भक्ति अच्छा श्रीधर गोसाई महाराज जी और एक बार गोसाई भक्ति माधव गोसाई महाराज भक्ति हिंदुवन गोसाई महाराज जी ये सारे सारे जो सन्यासी थे ये पता चला इन्हें कि भैया प्रभुपाद जी को ना वृंदावन में किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं दर्शन करने दे रहे क्योंकि हाँ वो क्योंकि वो सब क्या है ब्राह्मण और दूसरे दूसरे संपर्क जो दूसरे उसके हैं वर्ण के हैं उन्हें भी वो मंदिर में प्रवेश दे रहे हैं दीक्षा दे रहे हैं। तो वो फिर क्या गए मदन मोहन मंदिर में गए तो मदन मोहन मंदिर में जब गए तो वहां के जो पंडित वहां के जो गोसाई जी से मिले तो गोसाई जी को जाके बताया उन्होंने कि कह रहे कि जिनके बारे में तुम मंदिर में जिनको तुम एंट्री नहीं देना चाह रहे ना पता है कौन है हम कौन है कह रहे तुम्हारी लड़कियों का रिश्ता आया था हमारे लिए हमने ठुकरा दिया तुम्हें है तो हमें कम समझ रहे हो तुम हमारे लेवल के नहीं हो और तुम हमारे गुरुदेव को मना कर रहे हो। तो चलो मदन मोहन के मंदिर के पुजारी ने सुना तो वो बिल्कुल सहम गया उसने भी उन्होंने सारे मंदिरों में दर्शन कराए लेकिन बांके बिहारी मंदिर में दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर के जो गोसाई थे उन्होंने कहा कि देखो आप लोग सन्यासी हो आपके पास क्या है त्रिदंड है और त्रिदंड देख के जो हमारे जो बांके बिहारी जी ना छोटे बच्चे हैं वो डर जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है बांके बिहारी में दर्शन करने आएंगे। तो ऐसा वैशिष्ट। और एक छोटी सी बात जो प्रभुपाद जी थे ना बिल्कुल साधारण नहीं थे। एक बार एक स्त्री बड़ी दूर से प्रभुपाद जी के पास आई और उनसे हरिनाम उन्होंने लिया दीक्षा दी तो लोगों ने पूछा आप कहां से इतनी दूर से कैसे आपका आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं तो मर गई थी तो मैं जब मर के वहां पहुंची तो मैंने देखा यमराज स्वयं यमराज वो खुद स्त्री बता रही है यमराज किसी की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कौन है तो उस समय क्या था उस स्त्री का उन्होंने गलती से उसे ले गए थे तो वो वहीं बैठी हुई थी। तो उन्होंने यमदूतों से बोला जब आपने छोड़ रहा तो उन्होंने देखा कि यमराज जो है ना किसी की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कौन है तो उन्होंने बताया कि ये जो महापुरुष है ना ये पृथ्वी में ठीक है प्रभुपाद तुम एक काम करो इनका आश्रय लो इनका आश्रय ग्रहण करो तुम्हें मेरा मुख नहीं देखना मिलेगा। ये कौन बोले यमराज जी ने बोला तुम्हें मेरा दोबारा दर्शन नहीं करना मिलेगा और स्त्री दोबारा नहीं आई। दूसरी घटना एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। जब उन्होंने दीक्षा उनसे ले ली तो दीक्षा लेने के बाद क्या उनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो पत्नी ने बोला भैया क्या तुमने कंठी डाल रखी है तिलक लगा रखे चोटी रखी उतार से है। अब दो चार दिन लड़ाई वड़ाई हुई और उन्होंने सब कुछ उतार दिया अब भजन वजन सब छोड़ दिया। अब भजन छोड़ने के बाद उनकी जब मृत्यु हुई ना तो इसके बीच में दो कथाएं ऐसी सुनी है। एक बार जो वहां यमलोक पहुंचे तो उन्होंने
जब उन्होंने देखा यह महाराज ने, अरे तुम इसे किसे उठा के लिया है? यह दूतों को बोला, बताए कौन है, ये प्रभु का जी के आश्रित है, इन्हें वापस छोड़ाओ। दूसरा, जब वो वहां पहुंचे तो उनको बोला कि इन्हें नरक में देखे आओ। जब उनको नरक की यात्रा देने लगे तो क्या बोले, प्रभु बात तो स्वयं प्रभु बात प्रकट हुए। अब प्रभु बात जब प्रकट हुए तो उन्हें दोबारा वापस ध्यान पड़ा, तो प्रभुपाद जी को देखते ही वो यमराज जी का दंड गिर गया था। मतलब इतनी ज्यादा उनकी वैशिष्टता थी। अब जैसे मैं छोटी सी आपको सच्ची घटना बताता हूँ, मैं ना उत्तरांचल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे उत्तरांचल में क्या है, देवभूमि बोलते हैं, ऊपर पहाड़ और नीचे नदी बहती है, तो कहते हैं ऊपर जो देव स्थान है वह हमारे देवी देवता रहते हैं, नीचे कहते हैं भूत प्रेत ये सब होते हैं, ये वास्तव में होते हैं सब भूत प्रेत भी। तो वहां कहता है एक हमारा गाँव था, मतलब मैंने सुना बचपन में हमारे घर वालों से, तो उस गांव में क्या था कि वहां से जब गुजरते थे तो एक बहुत बड़ी प्रेत आता है, भूत था कोई, वो उन लोगों को पकड़ता था, बड़ा परेशान करता था, मारता था। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो बड़ा साहसी था, उसको कुछ विद्या थी उसके पास, तो उसने क्या करा, अपनी विद्या के बल से वहां जाके उस भूत से युद्ध किया और उसे पकड़ के उसे मारा वो, और उसे बोला कि भैया आज के बाद यहां से चलेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं किसी को आपके किसी वंशज को परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे एक काम करो, कुछ प्रूफ दो। तो उन्होंने क्या करा, उस प्रेत का ना जो पैर का निशान है बड़ी सी शिला में रखवाया, अभी भी बताते हैं उस शिला में उस पैर भूत का पैर का निशान है। तो उसको बोला कि यहाँ पे शिला में पैर का निशान लगवाया उस व्यक्ति ने, और बोला कि ठीक है आज के बाद मेरे किसी वंशज को तू परेशान नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति था, तो बताते हैं कि अभी भी घर वाले या जो पहाड़ के लोग होते हैं, अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भूत दिखे परेशान करे ना, तो उस व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं कि कुछ बोल देना, मैं उसका नाती बोलता हूँ, बस वो तो कोई कुछ नहीं करेगा। अब वास्तव में ऐसा होता है। तो देखो ये जो कैसी बात है कि भौतिक जगत में जब एक छोटे से प्रेत से एक भौतिक जगत का एक आदमी से हम बच सकते हैं, अगर हमें हमने थोड़ा भजन किया। अब देखो हम कैसे, तो हम देखो कितने भाग्यशाली है, हम किसके वंशज है, हम किसके वंशज है, हमारे गुरुदेव कौन है ना, और हमारे गुरुदेव के गुरुदेव कौन है, वो भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, किनके आश्रित है, प्रभुपाद जी के, हम उनके क्या हुए, परपोत्र है ना। अगर हमने बाई चांस हमने कभी तो वैसे हमें यमराज का रूप भी देखना पड़ेगा, अगर बाई चांस कभी देखना पड़ जाए हम ये बोल देंगे ना हम किसके, प्रभुपाद जी के परपोत्र है, तो हमें यमराज जी मिल जाएंगे। तो हमारी दोनों गुरुवृत्ति इतनी महिमा है, तो कहने में तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे भक्त और बातें कहेंगे, मैं तो नहीं कहेंगे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये बच्चे लोग अच्छी अच्छी बात सुना रहे, नई नई बात सुने हम चाहते हैं कि जो बच्चे लोग हैं ना भविष्य में अरे महाप्रभु का वाणी को जगत में सब प्रचार करें, इसलिए हम सभी बच्चों को सब के सब खड़े कर रहे हैं। अरे जो बच्चे लोग हैं वो सब लिखे बड़े लड़के, ऐसे नहीं कुछ अनपढ़। तो पहला जो बच्चा बोला वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसका अभी तनख्वाह 1,00,000 रुपया की, नौकरी करता है और भक्ति भी करता है। उसके बाद में तुम क्या हो, चिराग है, चिराग इधर सामने आओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इसलिए ये जितने सब बच्चे हैं सब लिखे बड़े। अभी जो बच्चा हरिकथा, तुम क्या पढ़े हो, MBA बच्चा किया, अभी नोएडा में नौकरी कर रहा है, ये नौकरी कर, ऐसे ये सब बच्चे सब लिखे बड़े। ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी 1,00,000 रुपया की नौकरी छोड़ करके इसने बाबा बने, इसलिए सब बच्चे सब लिखे बड़े, सब कहते हैं सब लिखे बड़े बच्चे। इसलिए हम चाहते हैं धीरे धीरे बच्चे अच्छे तरह से हरिकथा सुने और जगत में महाप्रभु का वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम।
राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमादितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादश्चो दर्शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादश्चो दर्शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं आज इनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादश्चो दर्शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथावि प्रणाम। हम सुबह कीर्तन कर रहे थे जिसके अंदर किसी वैष्णव ने कहा है, तुम्हार महिमा गाई हेनो साध्य मोरनाई तबे पारी जदी दिते शक्ति, कि प्रभुपाद एक अप्राकृत कहा ना, प्राकृत वस्तु नहीं अप्राकृत गोचर, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, कि अप्राकृत वस्तु प्रभुपाद कौन है, राधा रानी के नित्य धाम से इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं, तो एक बद्ध जीव का सामर्थ्य नहीं है उनकी महिमा गान करने का, फिर भी आत्म पवित्रता लाभ करने के लिए उनकी ही कृपा से कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। श्रीमन महाप्रभु ने षड गोस्वामी को वृंदावन भेजकर मुख्यतः चार कार्य दिए थे और उन चार कार्य जिसमें बताया विग्रह प्रकाश, लीला स्थलियों का प्रकाशन, ग्रंथ रचना एवं भक्ति कार्य भक्ति आचरण। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इन्हीं चार कार्यों को किया, इसी वजह से उनको सप्तम गोस्वामी बताया गया है। और भक्ति विनोद ठाकुर के यद्यपि कई सारे अवदान हैं, उसमें से मुख्यतः दो अवदान को ज्यादा बतलाया जाता है। एक था श्री गौर श्रीमन महाप्रभु की जन्मस्थली योगपीठ, उसका उद्धार किया, और दूसरा ये महापुरुष जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है। प्रभुपाद जी के जन्म के विषय में हम श्रवण कर चुके हैं पहले ही, किस प्रकार जब वो 6 मास के थे उनका अन्नप्राशन का समय आया, उस समय पर उनको रथ पर भक्ति विनोद ठाकुर लेकर चले गए। साधारण अर्थ में तो हमने श्रवण किया किस प्रकार जगन्नाथ जी का दर्शन भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन कराने के उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद को लेकर गए, किंतु उनके आश्रित जन श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज यहाँ पर बड़ा ही एक रसिक अर्थ बताते हैं, क्यों जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक भक्ति विनोद ठाकुर के घर के बाहर खड़ा रहा। अभी यहाँ वर्णन कर रहे हैं जगन्नाथ जी कौन है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण साक्षात है, ये वही कृष्ण है जो ब्रज से जाते वक्त कहकर गए थे कि आज मैं जा रहा हूँ, कल कंस का वध करूंगा और परसों लौट आऊंगा। और इधर हमने श्रवण किया श्री राधा रानी की नयन मणि मंजरी स्वरूप श्री प्रभुपाद है और भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है। प्रभुपाद जी जो नयन मणि मंजरी है उनकी नित्य सेवा क्या है, राधा रानी जो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती है उसको वह यह नित्य सेवा है किसकी, श्रील प्रभुपाद की, क्योंकि वो क्या है नयन मणि है, क्योंकि नयन से ही तो कृष्ण के रूप का आस्वादन करेंगी, तो ये उनका नित्य सेवा है। तो अभी यहाँ पर ये राधा रानी से अभिन्न उनकी मंजरी स्वरूप यहाँ पर घर में है। अभी ये वही कृष्ण इनके दर्शन करने के उद्देश्य से वहां पर बाहर खड़े हो गए हैं। मानो यहाँ पर भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते हैं कि राधा रानी कुंज के अंदर मान कर बैठी हुई हैं और कृष्ण यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ भक्ति विनोद ठाकुर पहले दिन में भी तो प्रभुपाद को लेकर और जगन्नाथ जी के रथ पर जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो कौन है, नित्य सिद्ध स्वरूप में कमल मंजरी है। इसीलिए उन्होंने कृष्ण से क्या कहा कि तुम अपेक्षा करो, तुमने हमारी स्वामिनी से झूठ कहा है। इसीलिए उनको 3 दिन तक अपेक्षा करवाने के बाद में जब उन्होंने जैसे बताया प्रभुनंदन सरस्वती पाद ने किस प्रकार कृष्ण जो है मंजरियों के हाथ आगे हाथ जोड़कर काकुति विनती करते हैं, वही कृष्ण अभी जगन्नाथ जी के रूप में रथ पर आरूढ़ होकर 3-3 दिन तक वहीं पर विराजमान थे। और जब भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रभुपाद को लेकर रथ पर गए तो नयनमणि मंजरी के दर्शन करने मात्र से ही जैसे बताया ना बंसी करार निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम, राधा रानी को कभी मल्ल युद्ध के लिए जब कृष्ण ने ललका रहा तो आमंत्रित किया, तब राधा रानी जब मल्ल वेश में धारण करके और कुंज से बाहर आई और उनकी एक तिरछी चितवन से ही क्या हुआ, कृष्ण के हाथ से मुरली गिर गई, कृष्ण का मयूर पुच्छ गिर गया, उनके श्रीअंग से पीतांबर भी सरक कर चला गया। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर जगन्नाथ जी की हो गई। जब एक बार उन्होंने नयनमणि मंजरी का दर्शन किया तो उनके गले में जो अधरा माला थी वो गिर के और प्रभुपाद जी के गले में आ गई। सामान्य रूप में लोगों ने ऐसा देखा कि जगन्नाथ जी ने प्रभुपाद को आशीर्वाद दिया, किंतु भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज इसका ऐसा रसिक अर्थ बताते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे जब इनकी रुचि परीक्षा हुई
भक्ति विनोद पहले के क्या होता था, बालकों की रुचि परीक्षा होती थी, उनके सामने जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता था तो उनके सामने ग्रंथ और पैसा और अलग अलग चीजें उनके सामने रख देते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जब इनकी रुचि परीक्षा हुई, इन्होंने जाकर सबसे पहले भागवत को पकड़ा और उसी समय पर ही इनके इनके इनका बचपन से इनका जीवन चरित्र था जो था बड़ा ही विलक्षण था। इनकी हरिकथा का एक वैशिष्टता हम श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार ये वास्तव सत्य के निर्भीक वक्ता थे। एक बार क्या हुआ, काशी बाजार एक जगह है बंगाल में, वहां के राजा ने इनको आमंत्रित किया, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, वहां के राजा ने इनको आमंत्रित किया, किंतु बोलने के लिए इनके वाणी का क्या वैभव था, वैकुंठ वार्ता वह, हम सब श्रवण कर रहे थे ना कि ये साक्षात गोलोक वृंदावन से आए हैं, वैकुंठ से आए हैं, तो वही की एक वैकुंठ का व्यक्ति ही वैकुंठ वार्ता को वर्णन कर सकता है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहा करते थे कि इस जड़ जगत में हरिकथा का दुर्भिक्ष, हरिकथा का अभाव है, अकाल है। अभी देखने को तो मिलता है कि जगह जगह पर हरिकथा हो रही है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अकाल है, क्योंकि वास्तव सत्य जो है श्रीमद महाप्रभु की जो विशुद्ध शिक्षाएं हैं उसको बतलाने वाले लोग नहीं है। यद्यपि आजकल के भागवत वक्ता किस प्रकार के हैं, पैसा लेकर हरि कथा करते हैं तो कथा को बिक्री करते हैं, इसीलिए श्री प्रभुपाद ने कहा कि इस जगत में क्या है, हरि कथा का दुर्भिक्ष है। तो इनकी हरि कथा का यही वैशिष्ट्य था, सब समय वो एक इतनी टॉप वस्तु को, आत्म वस्तु को लक्ष्य करके अपने उपदेश देते थे, अपनी हरिकथा कहते थे। जैसे इनका एक उपदेश आप हम लोगों ने श्रवण किया है कि किसी एक व्यक्ति को भक्ति में लाना, किसी एक जीव को भक्ति मार्ग पर लाने सबसे ज्यादा वो उससे उसके कंपैरिजन में कोटि कोटि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अन्य क्षेत्र खुलवाना उससे बराबरी नहीं किया जा सकता। अभी यदि कोई साधारण व्यक्ति इस चीज को सुनेगा तो क्या सोचेगा, एक व्यक्ति ने यदि 100 अस्पताल खुलाए हैं, अन्य क्षेत्र खुलवाया है या स्कूल खुलवाए हैं तो कितना महान है, किंतु ये सारी चीजें क्या है, ये मंदोदय दया है, ये दया मंद हो जाएगी, अर्थात क्षणिक दया है वो। ये यदि किसी को ने अन्य क्षेत्र खुलवाया है या फिर कोई स्कूल में पढ़ाया है तो ये उसके शरीर को लाभ कर रही है, उसका आत्मकल्याण नहीं कर सकती। किंतु यदि कोई व्यक्ति भजन के प्रति अग्रसर हो जाए, यदि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है तो वह उसके आत्मा का कल्याण करेगी। इस प्रकार प्रभुपाद जी के उपदेश थे। एक उन्होंने जैसे उन्होंने एक एग्जांपल देकर बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई जैसे किसी गांव में बाढ़ आ गई तो नदी में बहते हुए कुछ लोग जा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा था उसको दया आने पर उसने क्या किया, अंदर गया बचाने के उद्देश्य से। उसने क्या किया, उसका कोट पकड़ा तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, कोट हाथ में आ गया और व्यक्ति बहकर चला गया। अभी फिर वापस चेष्टा करी, उसने उसकी धोती पकड़ के धोती हाथ में आ गई लेकिन व्यक्ति बहता हुआ चला गया। ऐसे उसने कई बार चेष्टा करी किंतु सिर्फ ये उसके वस्त्र ही हाथ में आते, किसी व्यक्ति को बचा नहीं पाता। दूसरा एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा था उसने अंदर कूदा और एक व्यक्ति को चोटी पकड़ के उसको खींचते हुए बाहर ले आया। अभी आप बताओ इन दोनों में से किसने ज्यादा उपकार किया, जिसने एक व्यक्ति की जान बचाई वो उसने ज्यादा उपकार किया ना। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शरीर क्या है, वासन से जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर भी एक कपड़ा ही तो है, इसके प्रति दया करना वो क्या है, मंद दया है, वो कभी मंद हो जाएगी। किंतु प्रभुपाद जी की दया कैसी थी, अमंदोदय दया। उन्होंने उनकी हरिकथा का यही वैशिष्ट था, वो सब समय ऐसे निर्भीक वक्ता थे। एक समय पर उनके पास में किसी ब्रह्मचारी, उनका कोई शिष्य ब्रह्मचारी हो गया, वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, तो माँ बहुत ही क्रंदन करते हुए इनके पास में आई और कहने लगी कि मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ, मेरे पति का भी मृत्यु हो गई है और मेरा एकमात्र पुत्र था वो भी आपकी हरिकथा सुन के और ब्रह्मचारी बन गया, आप यदि उसको आदेश करेंगे तो वो गुरु आदेश पालन करेगा और वो निश्चित रूप में ही घर आ जाएगा। तो जितनी रोज जोर जोर से ये मां रो रही थी उससे भी ज्यादा जोर से प्रभुपाद जी क्रंदन करते हुए कहने लगे कि मैं इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूं, क्योंकि 84 कोस योनियों में भ्रमण करते करते, अनंत अनंत कोटियों में भ्रमण करते करते कोई जीव की इतनी सुकृति पुष्ट होती है कि वो हरिभजन में आता है, अभी वो इस हरिभजन करने के लिए यदि आया है मैं कैसे उसको वापस लौटा सकता हूं, मैं कभी इतना निष्ठुर नहीं हो सकता हूं। ऐसे श्रील प्रभुपाद की हरिकथा का वैशिष्ट्य था। इन्होंने प्रचार के संबंध में भी, जैसे अभी कीर्तन में हम श्रवण कर रहे थे ना, प्राण आछे जा से हेतु प्रचार, तो
प्रजा के विषय में भी श्री प्रभुपाद से एक बार से किसी ने प्रश्न किया कि आपने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी खोल दी है, तो आपके फंड्स में कितना पैसा है, आपके अकाउंट में कितना फंड्स है? तो इन्होंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि हम अकाउंट में कोई भी फंड्स नहीं रखेंगे, बल्कि हम उधार लेकर प्रचार करेंगे। हम उधार लेकर क्यों प्रचार करेंगे? क्योंकि हम उधार लेकर प्रचार करेंगे, अभी उस उधार को लौटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भिक्षा करनी पड़ेगी। अभी हम यदि हम किसी के पास भिक्षा करने जाएंगे, हमारा आचरण यदि अच्छा नहीं होगा तो वह हमें भिक्षा नहीं देंगे। तो बात यह हो कि हमको आचरण अच्छा करना पड़ेगा। हमारा आचरण अच्छा होने पर हमारी जो सेवा वृत्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी सेवा वृत्ति पॉलिश हो जाएगी, हमारी सेवा वृत्ति उसको उसका वर्धन होगा, और इसी से ही हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो दोनों ही कार्य हो जाएंगे, आचरण भी होगा और प्रचार भी होगा। इस तरह के इनके विचार थे। इनका एक महावाक्य इन्होंने बताया कि गौड़ी मठ में जो भी वास करते हैं उनके लिए महावाक्य क्या है, त्रिनादपि सुनीचता। यद्यपि ये उसके मूर्तिमंत स्वरूप थे, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि, श्रीमद महाप्रभु ने कहा ना, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो श्रील प्रभुपाद उसकी मूर्तिमंत स्वरूप थे और ये कहते थे गौड़ी मठ जो भजन राज्य में आए हैं उनको ये ही एकमात्र योग्यता है उनकी, क्योंकि इस योग्यता को अर्जन करने पर इस 14 भुवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्थात ब्रह्म पद भी हमको निकृष्ट लगने लगेगा, और जो सबसे इसकी सबसे इस 14 भुवन की सबसे निकृष्ट वस्तु है वो भी हमको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। अर्थात उत्तम है या आपना के माने त्रिनादम, आप जितने जितने भजन में उत्तम होंगे अग्रसर होंगे उतने ही अपने आप को तुच्छ मानेंगे, दीनता आएगी। ये स्वाभाविक दीनता के लिए ही प्रभुपाद जी ने इस तरह के इनके उपदेश थे। और साधन इन्होंने क्या बताया है, श्री हम लोग श्रवण करते हैं जैसे जो अष्टक शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने लिखा है उसके अंदर वो वर्णन करते हैं, कविराज नरोत्तम सख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। प्रभुपाद जी थे उनके उनके अंदर सभी पूर्व आचार्य प्रोढ़ीभूत होकर आए हैं, क्योंकि उनके अंदर नरोत्तम दास ठाकुर के साथ में क्या बताया, इनका सख्य भाव बताया। किस प्रकार उसका बतलाते हुए कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जब लोकनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहते थे, जिस प्रकार गौरकिशोरदास बाबा जी ने भी इनको बार बार ठुकराया, उसी प्रकार का देखा जाता है लोकनाथ दास गोस्वामी ने भी नरोत्तम दास ठाकुर को बार बार ठुकराया और कहीं लास्ट में जाकर उनको दीक्षा दी। और कविराज नरोत्तम सख्य पदम कविराज से भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की लेखनी और इनकी लेखनी भी काफी मेल जोल था, इसलिए बता रहे हैं उनके सख्य पदम। इन महापुरुष के जो अंतिम में इन्होंने उपदेश दिया, हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे शतकोटि नाम यज्ञ किया इन्होंने, चंद्रायन व्रत करते हुए क्या करते थे, जमीन पर अन्न डाल देते थे और जैसे गाय खाती है उसी प्रकार उसका लेते थे, और चंद्र की कला के साथ साथ जैसे जैसे चंद्र बढ़ता है वैसे वैसे अपना आहार बढ़ाते थे पूर्णिमा तक, फिर जैसे जैसे चंद्र घटता है वैसे वैसे अपना आहार घटाते थे। ऐसा करते करते इन्होंने क्या किया, शतकोटि नाम यज्ञ किया, प्रत्येक दिन 300,000 नाम करते थे। अब ये श्रवण कर रहे थे इनका अंतिम समय जब आया, जब ये इस धराधाम को छोड़कर राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, उस समय पर श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज को बुलाया। एक बार उससे पहले इन्होंने श्री सबकी अपने शिष्यों की रुचि परीक्षा करी थी कि आपको ब्रज में सबसे प्रिय स्थान कौन सा है, तो श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने इनसे कहा, जब प्रश्न किया गया उन्होंने बताया कि मेरा सबसे प्रिय स्थान ब्रज में टेर कदम है। टेर कदम स्थान किसका है, रूप गोस्वामी पाद का। तो इसी वजह से जब उनका अंतिम समय आया श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज को बुलाकर उन्होंने ये श्री रूप मंजरी पद कीर्तन करवाया, और एक कीर्तन करवाया तुमो दया सागर तारे प्राणी। तो इन महापुरुष के जीवन में देखा जाता है इन्होंने शतकोटि नाम यज्ञ किया, 300,000 नाम प्रत्येक दिन करते थे, किंतु जब ये कीर्तन हो रहा था उसमें एक लाइन आती है, तुहु दया एक क्षण परम उदारा अतिशय मंदनाथ भाग्य हमारा। इस मतलब लाइन में कह रहे हैं कि हे हरिनाम प्रभु तुहु दया एक क्षण, आप इतने दयामय है, आप परम उदार है, किंतु हमारा इतना कपाल मंद है, हमारा इतना भाग्य खराब है कि हमारा फिर भी आपके नाम में अनुराग नहीं हो रहा। कौन कह रहा है, जिसने शतकोटि नाम यज्ञ किया, 300,000 नाम प्रत्येक दिन करते थे, वो कह रहे हैं अपने माथे पर ऐसे हाथ पीटते हुए कह रहे हैं कि अतिशय मंदनाथ भाग्य हमारा, मेरा भाग्य इतना खराब है, इस प्रकार की ये त्रिनादपि सुनीचता थे। ठीक है, इनके जीवन चरित्र से इन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कई कई बातें कही। इनके अंतिम उपदेश में एक उपदेश इन्होंने कहा कि शत लांछना शत गंजना शत अपमान होने पर भी हरिभजन मत त्याग करना,
अर्थात जो लोग भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, बताए ना भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्ध, भक्ति मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं कई बाधाएं आएंगी, कई लोग आपका अपमान करेंगे, कई लोग आपको गाली देंगे, लेकिन सब होने पर भी हरिभजन कभी त्याग मत करना, हरिभजन सब समय हरिभजन करते रहना। तो इन महापुरुष के जो अभी बतला रहे थे, जैसे हम संजरू बता रहे थे, एक आचार्य अभिमान होता है, हम लोग को यदि ये भी अभिमान हो जाए कि हम इनके पड़पौत्र हैं और इनकी शिक्षाओं का एक छोटा कोटा भी यदि हम अपने जीवन में आचरण कर पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही कह के मैं अपने वाणी को विराम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद। मध्य में क्या भोग लगा रहे हैं क्या? बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलो, बोलो हरे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत तुलसी दल गुरु महाराज के जल में था कंडल प्रणाम करके उनका एचन कृपा वंचन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग मितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति श्रीरोल सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चल में साष्टांग कंडल प्रणाम करके उनके अचेत कृपा वंचन करता हूँ। आज जिनका शुभ तिरुवाप तिथि है, शुभ विरह तिथि है, नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंचा करता हूँ। तत्पश्चात सपरिकर सपार्थ सदस्य प्रभुपाद, सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु, सपरिकर श्री जुगल किशोर सरकार के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वंचा करता हूँ। उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद, वैष्णव वैष्णवी भक्त वृंद के जन्म में अधम का जथा जो कि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो हमने प्रातः काल से श्री गुरुदेव के मुख से प्रभुपाद के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। अभी तक भी हमारे गुरु भ्राता वृंद सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद विशेष रूप में प्रभुपाद के चरण में बहुत बड़े सुंदर सुंदर बात में पुष्पांजलि प्रदान किया। आज जो तिथि है वो तिथि का नाम क्या है? विरह तिथि। आज जो तिथि है वो तिथि का नाम है विरह तिथि। ये विरह तिथि क्या है? इस विरह तिथि में हम लोग क्या कह रहे हैं, आज एकत्रित हुए हैं। तो जो एकत्रित हुआ है, देखो प्रभुपाद का जो विचार है ना वो बहुत गंभीर है, उसमें प्रवेश करना बहुत गंभीर है। इतना गंभीर है कि उसमें जो प्रभुपाद का विचार है, जो प्रभुपाद का एक एक वाणी वेद उपनिषद से भी श्रेष्ठ वाणी है, जिसको समझना हमारे परम गुरुदेव भी एक जगह में बता रहे हैं। हमारे परम गुरुदेव भी एक जगह पे कहीं पे कथा हो रहा था तो प्रभुपाद बैठे सामने बैठे आज कथा सुनना, कल फिर तुमको बोलना, सारा दुनिया की बात बोलता है। हाँ बोलो। तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो एकत्रित जो वर्ड, उसको प्रभुपाद का विचार, उसको हमारे गुरुदेव ने 1995 में मथुरा पे एक आर्टिकल्स में लिखे, पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, एकत्रित का जो विचार है उसको बता रहे हैं गुरुदेव कि एकत्रित क्या है। जिस प्रकार नंद बाबा को, जिस प्रकार कृष्ण कह के ना ब्रजमंडल छोड़ के जब मथुरा चले गए,
जब बाह्य रूप में मथुरा चले गए उस समय पे ब्रजवासियों को जिस विरह हुआ, किस प्रकार का विरह हुआ, नंद बाबा को जिस प्रकार का विरह हुआ, यशोमती माया को जिस प्रकार का विरह हुआ, वो विरह को सहन नहीं कर पाते, फिर भरघर फिर क्या करते नंद बाबा ब्रजमंडल में घूमते है और जिस जगह पे कृष्णा क्या करते हैं विशेष रूप में लीला करते हैं उसी जगह को देख के उनका विरह फिर बढ़ जाता है। तो वो किस प्रकार का विरह है, जो जिस प्रकार का विरह गोपियों में हुआ, जो गोपी लोग क्या करते हैं, गोपी सारे के सारे गोपी ललिता विशाखा आदि सखी मंजरीगण ये सब क्या करते हैं राधा रानी के जो विरह को देख के सहन नहीं कर पाते और एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पे वही एकत्रित वर्ड आया है हमारे जो प्रभुपाद ने बताया, जो एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते के क्या करते हैं, जो निकुंज में जो गोपी लोग कृष्ण भावना में जो विरह होते हैं उसी विरह का जो ये होता है ना विरह में कि अपने आप को वार्तालाप करने लगते हैं कृष्ण होते तो यहाँ पे होते हैं, जो विलाप होते हैं विशेष रूप में उसी विलाप को जिस जगह पे एकत्रित होके चर्चा किया जाता है वही विरह है। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि प्रभुपाद की जो विरह तिथि है, वास्तविक प्रभुपाद जो एकत्रित शब्द किया है वो किस दृष्टिकोण से बताया, उसको तो एकत्रित जो वर्ड है उसको साधारण लोग तो साधारण रूप में ही लगे, लेकिन प्रभुपाद का जो विचार उसको हमारे गुरुदेव लिखते हैं कि यही वास्तविक एकत्रित जो एकत्रित वर्ड है, जो गोपी लोग जिस भाव में विरह होते हैं और एकत्रित होके एक दूसरे को उसी चीज के ऊपर समालोचन करते हैं कि आज कृष्ण होते तो ऐसा होता, आज कृष्ण होते तो ऐसा होता, तो उसी भाव को एकत्रित बताया हमारे प्रभुपाद ने। तो आज प्रभुपाद का विरह तिथि है, यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए उस विरह तिथि को मनाने के लिए कि प्रभुपाद क्या करते थे, उनके आचार क्या था, उनके विचार क्या था, उनके प्रचार क्या था, उनके सिद्धांत क्या था। हम वही चीज को यहाँ पे लेने के लिए एक बूंद भी, एक विचार भी एक शब्द भी उनमें हम प्रवेश करने पे यहाँ हम एकत्रित हुए। ऐसा मत सोचना कि बस हम यहाँ पे मजाक चल रहा है तो वहां प्रभुपाद के फोटो रख दिया, आरती तो हो गया, प्रसाद तो बन रहा है, चकाचक बस ले लेंगे, इसी भावना में नहीं हम आए हैं। प्रभुपाद के विचार को, एक विचार को ग्रहण करने के लिए हम यहाँ पे आए। एक विचार को अगर हम ठीक ठीक रूप में अगर उसको ग्रहण कर देना, हमारा विरह तिथि वास्तव में पालन होगा, वास्तव में वही विरह तिथि होगा। जिस प्रकार विरह बोलते हैं श्री दास गोस्वामी पर, जिस समय पे पुरी पे थे, नीलाचल धाम पे थे, उस समय जिस समय महाप्रभु ने छोटा गोपीनाथ पे अंतर ध्यान हो गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी नित्य धाम में गए, तब उन्होंने क्या किया, उनको जो विरह हुआ, जो हमने दास गोस्वामी पास रघुनाथ दास गोस्वामी पास को जिस भाव में विरह हुआ और वो पुरी पे रुके नहीं, नीलाचल धाम में रुके नहीं, वो क्या किए, सीधा का सीधा वृंदावन धाम में गए और रूप गोस्वामी के चरण में सीधा का सीधा आश्रय लिए। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या था, दास गोस्वामी जी का एकमात्र लक्ष्य यही था कि जो महाप्रभु का जो हृदय का भाव है, महाप्रभु का जो मनोविष्ट है, महाप्रभु का जो वास्तविक संपत्ति है वो कहाँ मिलेगा, ना रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरण में ही मिलेगा। तो उनको वो विरह को, वो ही वास्तविक विरह है। हमारे गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज 1994 में इस्कॉन पे कृष्ण बलदेव मंदिर पे एक बड़े अच्छे वक्तृता दिया प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि पे, वहां पे बता रहे हैं शायद स्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि था, तो वहां पे पूज्यपाद गुरुदेव वहां पे बता रहे कि विरह किसको बोलते हैं, विरह तिथि का तात्पर्य क्या होता है, विरह किस प्रकार का चीज होता है। वहां पे बोलते हैं कि हम गुरुदेव का पूरा ये वाणी है, गुरुदेव लिख रहे हैं अपने आर्टिकल्स में और जहां जो भी वहां पे बता रहे हैं कि विरह ये चीज है कि हम जिस वैष्णव के आज शुभ तिरोहाव तिथि है, जिनके वैष्णव का आज विरह तिथि है, हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनके बारे में, उनके विचार को जानने के लिए, उनको आचार सिद्धांतों को जानने के लिए, थोड़ा सा उनको आचार सिद्धांत में हम प्रवेश होने के लिए जहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं, हम उसको देखेंगे कि उन्होंने अपने इष्ट के प्रति अपने जीवन को कितना उत्सर्गीकृत किया, हम देखेंगे कि उन्होंने कितना अपने जीवन में भजन का आदर्श, भजन का जो आदर्श है, भजन का जो परिपाटी है उसको कितना सिखाया, जो वास्तविक में प्रभुपाद का जो विचार है, प्रभुपाद का जो भजन का पद्धति है उन्होंने हमको कितना प्रदान किया, हाँ, और उसको हम क्या करेंगे ना, उसको थोड़ा सा ही पालन, क्योंकि हम पद्धति पूरा पालन नहीं कर पाएंगे, उसको हम थोड़ा सा पालन करने के लिए क्या करेंगे, उसी भाव को ग्रहण करके हम संकल्प करेंगे। तो यही वास्तविक विरह है, हमें कितना उत्साहित है
प्रभुपाद की जो विरह तिथि है कुछ दिन के बाद गुरुदेव की विरह तिथि आएगा, हमें अभी कितना उत्साहित है कि गुरुदेव की तिथि आ रहा है। किसी का बर्थडे जब आ जाता है तो 10 दिन पहले हम सोच रखते हैं केक काटेंगे, ऐसा पार्टी कर देंगे, छोले भटोरे करेंगे, पता नहीं क्या क्या कार्ड ले लेंगे। लेकिन साल भर पहले पता नहीं क्या क्या सोच रखते हैं। जब न्यू ईयर आया था, न्यू ईयर से पहले पता नहीं एक महीना पहले कोई पिकनिक जाता है, न्यू ईयर आ रहा है। तो जो वास्तविक जो हमारे अंदर कितना उत्साह है वही वास्तविक भी रहे। जिसके अंदर जितना उत्साह है, गुरुदेव बता रहे थे, जिसके अंदर जितना उत्साह है वो उतना मात्रा में भजन में प्रवेश करते हैं। निरुत्साहित व्यक्ति कभी भी भजन में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि वो निरुत्साहित होके वहीं बैठे हुए बैठे रह जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक समय पे प्रभुपाद के एक विचार पे हम अगर दृष्टिकोण देखेंगे, प्रभुपाद के विचार को हम श्रवण करेंगे कि उन्होंने उनका विरह कैसा था। जब गौर किशोरदास बाबाजी महाराज अप्रकट हो गए तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का पटचित्र को सामने रखा गया और कुछ सभा का आयोजन किया गया। तब हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और उस समय पे भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी ठाकुर, भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज, इन सब लोगों ने प्रभुपाद के जो भजन कुटीर पे गए और प्रभुपाद के भजन कुटीर पे जाके प्रभुपाद को बोले कि उत्सव के लिए सब लोग एकत्रित हो चुके हैं, आप कृपया आके वहां पे पुष्पांजलि आरती प्रदान करें पूज्यपाद गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जी को। तो प्रभुपाद ने उन्होंने आज विरह तिथि है, आज उत्सव है, मानो जैसे उनको पता ही नहीं है। तो क्या वो नहीं जानते वास्तव में वो क्या बोलना चाहते हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं आज है जजमेंट करना का तिथि। क्या आज है जो निर्णय करना का तिथि? निर्णय का तिथि आज उपस्थित हुआ है। हम भजन में कितना प्रवृत्ति हुए हैं, हमारा कितना सेवा वृत्ति साल भर हुआ है, गुरुपाद पद्म के चरण में वही वाचनिक पुष्पांजलि देने का तिथि है आज, वही विरह तिथि है। क्या विरह उनमें हमारे प्रभुपाद के जो हमारे परम गुरुदेव हुए पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, क्या विरह था प्रभुपाद के लिए? प्रभुपाद का जिस प्रकार का विरह, उसी प्रकार का विरह हमारे परम गुरुदेव में दिखाया जाता है। कि हमारे गुरु भक्ति वेदांत में पूज्यपाद भक्ति बावन गोस्वामी महाराज लिखते हैं अपने एक आर्टिकल पे कि एक समय पे प्रभुपाद के विरह तिथि पे पूज्यपाद भक्ति बावन गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को नौका से नवदीप धाम से मायापुर ले जा रहे थे, मूल मठ पे प्रभुपाद के समाधि पे। तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि हमने देवानंद गोड़े मठ से तो निकला, लेकिन गुरुदेव का जो मतलब परम गुरुदेव का जो भाव था, हमने गुरुदेव को वहां तक मतलब किस किस तरह पहुंचा दिया वो बड़ी बात है। क्या उनका हृदय में विरह था प्रभुपाद की तिथि में? अब जहां पे उन्होंने देखा है कि परम गुरुदेव ने अपने जीवन चरित्र में हम सब लोग श्रवण करते हैं कितना निर्भीक थे, कितना दाम्भिक थे। अगर एक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे हमारे परम गुरुदेव अपने सारे के सारे जीवन जहां कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा में पूरा का पूरा जीवन गया और पूरा कितना निर्भीक थे। तो यहाँ पे गुरुदेव बताया करते थे कि मैंने प्रथम बार देखा शायद गुरुदेव इतना रो रहे हैं प्रभुपाद के समाधि पे, परम गुरुदेव इतना रो रहे हैं उनके विरह में, किस प्रकार का वो विरह है। तो पूज्यपाद भक्ति बावन गोस्वामी महाराज उनको बोला कि आप ऐसे क्यों हो रहे हो, आप ऐसे क्यों हो रहे हो, आप कृपा करके बैठ जाइए। तो वो विरह है वास्तव में, उसी विरह को हम क्या करने आए हैं ना, उसी विरह को हम विशेष रूप में उसी जो आदर्श है उसी आदर्श को हम यहाँ पे श्रवण करेंगे ताकि हमारा चित्त शोधन हो और हम उसी विरह में कभी प्रवेश करें। ये और उसी उनके जो शोधन आदर्श में हम क्या करें कभी ना कभी थोड़े भी बहुत हम प्रवेश करेंगे तो वास्तविक हमारा विरह तिथि पालन करना होगा। अब आते हैं प्रभुपाद के बारे में, अगर हम श्रवण करेंगे प्रभुपाद आज शाम में गुरुदेव कीर्तन बोल रहे थे कि दुष्ट मन तुम्हें किशेर वैष्णव। तो इस कीर्तन को अगर हम जहां तक श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे तो इसमें सबसे मूल बात प्रभुपाद ने क्या बताया, कर्णक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ी आचे जारे सेत वैष्णव। ये चीज को सारे के सारे वैष्णव जो कथा में बोलते हैं यही चीज को बोलते हैं कर्णक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ी आचे जारे सेत वैष्णव। लेकिन इस कीर्तन में ध्यान देने वाला विशेष वस्तु है क्या, यहाँ पे जो कनक कामिनी और प्रतिष्ठा को प्रभुपाद छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो इससे विशेष क्या है, जो कनक है जो धन का प्रिय है उसको यहाँ पे इस कीर्तन में प्रभुपाद ने शायद तीन बार लिया है। और जो कामिनी शब्द है
जो कामिनी का शब्द है उसको प्रभुपाद ने शायद चार बार लिया है, लेकिन जो प्रतिष्ठा शब्द है जहाँ तक हमारा अध्ययन है 13 से 14 बार, 13 से पूरा 14 बार तक प्रभुपाद ने प्रतिष्ठा 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 हर प्यार में प्रतिष्ठा 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 चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार उनका जो भाव था कि प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत में एक जगह पे लिखते हैं कि जीव चाहे कनक और कामिनी को छोड़ सकता है, धन और स्त्री संघ के लालसा को छोड़ भी सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ सकता। प्रतिष्ठा के थोड़ा भी थोड़ा क्या होगा उसके हृदय में रह जाएगा। वो कपटता जो प्रतिष्ठाता होता है वो कपटता थोड़ा का थोड़ा किसी ना किसी रूप में अगर हृदय में रह जाएगा तब उसका साधन सब उसमें ही खा जाएगा। तो जिस चीज को लिए श्रीलदास गोस्वामी पाद प्रतिष्ठाता दुष्टा सोपज रमणी, सोपज रमणी बोलते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जिस चीज जिस प्रतिष्ठा को, और प्रभुपाद बता रहे हैं जिस प्रतिष्ठा के बारे में कि जिस प्रतिष्ठा को प्रभुपाद एक जगह पे लिख रहे हैं कि कपटता हेले दुर प्रवेश प्रेमेरे पूरे जिबेर हृदय धन्य करे, कपटता हेले दुर प्रवेश प्रेमेरे पूरे जिबेर हृदय धन्य करे, अतएव बहु जतने अनिवार्य प्रेम रत्ने कापट्य राखो अति दूरे। प्रभुपाद बोले जो कपटता है जो प्रतिष्ठाता है उसको क्या करो तुम बहुत दूर पे रख दो, बहुत दूर पे तुम उसको क्या करो फेंक दो, तब जाके जीव के हृदय में क्या होगा विशेष रूप में वो साधन का भाव जो गुरु वैष्णव प्रदान करना चाहते हैं वो प्रकाशित होगा। प्रभुपाद के इस विचार में इतना तो पता चल जाता है कि प्रभुपाद प्रतिष्ठा कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी के सर्वश्रेष्ठ उच्च लेवल पे है, और उनके छोड़ के उनके जो शिष्यगण है हमारे गुरु परंपरा के अगर हम विचार करेंगे उनके शिष्यगण भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान भक्ति संत गोस्वामी महाराज, इनके तो अद्भुत अमूल्य अमूल्य जीवन चरित्र है। अगर हम हमारे गुरु परंपरा के अगर थोड़ा दृष्टिकोण देंगे तो पूज्यपाद भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी, जिसके लिए गुरुदेव बोलते हैं कि इनको जूता सिलने से लेके चंडी पाठ तक पूरा का पूरा आता है, मतलब सब कुछ आता है। जैसे हमारे उड़ीसा में बोलते हैं ना कि घास काटने के लेके घोड़े चढ़ने तक पूरा सब चीज में ये धुरंधर है, सबके सब चीज में ये धुरंधर है। और परम गुरुदेव का इच्छा भी था कि इनको क्या करे आचार्य पद में नियुक्त करे, और इनका सब चीज में शास्त्र में बहुत प्रवेश था, सेवा वृत्ति था, फिर भी जब परम गुरुदेव ने बोला कि इनको क्या कि आप क्या करो आचार्य बन जाओ, तब इन्होंने बोले तो मैं ही बस केवल सेवक ही हूँ, आप अपने जिस शिष्य को आचार्य बनाओगे मैं बस उनके सेवा में ही नियुक्त कर दू। तो क्या जिनको प्रतिष्ठा भी छोड़ के भागे, जिनको प्रतिष्ठा भी छोड़ के भागे, तो अगर हम इसी दृष्टिकोण में विचार करेंगे पूज्यपाद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज क्या दीनता था, वो वास्तव में प्रभुपाद के शिष्य है। पूज्यपाद संतोष ब्रह्मचारी जब छोटे होके आए थे वो वास्तव में प्रभुपाद के शिष्य है, लेकिन जिस समय परम गुरुदेव ने उनको बोला पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आप तो प्रभुपाद के शिष्य हो, झटकर तो उनके चरण में गिर गए, बोले मैं प्रभुपाद के शिष्य नहीं मैं तो आपके शिष्य, बोलते मैं तो आपके ही शिष्य हूँ। तो क्या उनके भाव में दीनता था, तो उसी दीनता का आदर्श उसी प्रतिष्ठा को छोड़ने का आदर्श उसी कनक को छोड़ने का कामिनी को छोड़ने का आदर्श प्रभुपाद देखते हैं। इसी चीज को हमको ये विरह तिथि में ग्रहण करना है। जैसे हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि किसी समय इनको कोई पूछ दिया कि इतने सारे आप इतना बड़ा मिशन किए हो यहाँ पे धन आप कहाँ से लाते हो, तो वो बोलते हम धन नहीं, हम तो हमारे फोन में कुछ भी धन नहीं, हम क्या करते हैं ना भिक्षा करके हम प्रचार करेंगे ताकि जब हमारा सेवा वृत्ति होगा और जो जो हमको जो भिक्षा करने वाला जो हमको फिर बाद में वो मालिक हमको जो पैसा मांगेगा तब हमारा ज्यादा से ज्यादा सेवा वृत्ति होगा, भिक्षा करने लगेंगे और भिक्षा करने लगेंगे तो हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा तो कोई भिक्षा देगा नहीं, इसलिए हमको आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। क्या उनके अद्भुत विचार है, क्या उनके अद्भुत विचार है जिसको बारे में हमारे परम गुरुदेव बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे जो व्याख्या प्रभुपाद ने दिखाया जीव हिंसा, वास्तव में जो जीव हिंसा के बारे में प्रभुपाद ने दिखाया वो वास्तव में और कोई भी कभी भी इस चीज का मतलब ऐसा ऐसा विचार कहीं भी मिलता नहीं, वेद उपनिषद में ढूंढने पर भी मिलता नहीं जो प्रभुपाद के विचार है। प्रभुपाद के एक समय में प्रभुपाद ने क्या किया कि उनका जो सत्य बोलना पूरा निरंतर सत्य बोलना हर समय स्थान काल पात्र को
विचार ना करते हुए महाप्रभु के वाणी को प्रचार करना उनके अंदर विशेष रूप में था। हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं पूज्यपाद भक्ति रंजन प्रभु जिनके अनुगत्य में जिनके सहायता में बाग बाजार घोड़े मठ कलकत्ता में बना था और पूज्यपाद भक्ति जीवन प्रभु सखी चरण बाबा जी महाराज जी जिनके अनुगत्य में क्या हुआ ना हमारे जोगपीठ के मंदिर बना था जोगपीठ के मठ बना था और पूज्यपाद भक्ति भक्ति चंदन आनंद लीला विग्रह गोस्वामी महाराज उनके अनुगत्य में शायद कटक में एक बाग बाजार घोड़े मठ का एक रूपात का एक मठ है वहां पे कटक पे एक उड़ीसा में एक मठ बना था जिनके अनुगत्य में तो उन सब को प्रभुपाद उन सब के सामने प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारे उद्देश्य एक ईंट पत्थर का कारपेंटर काम करना नहीं है हम तो महाप्रभु की वास्तविक क्या महाप्रभु की वास्तविक उद्देश्य हमारा उद्देश्य है महाप्रभु की संदेश का वास्तविक वाहक है हम मैसेंजर है पृथ्वी ते अच्छे नगर जत्र अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम ये जो चीज को वास्तव में प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि हम तो वही महाप्रभु जो बोल रहे हैं उसको हम क्या करेंगे प्रचार मात्र है उसको हम क्या करेंगे प्रचार ही करेंगे तो इस प्रकार का जो विचार है गुरु परम गुरुदेव बोलते हैं कि इतना भिक्षा देने के बाद उनको इतना सहयोग करने के बाद भी और हर समय स्थान काल पात्र का विचार ना करते हुए विशेष रूप में अपने शिष्य को वही बात का ही शिक्षा देते हैं तो ये बहुत बड़ा बात है और हमारे परम गुरुदेव के अगर हम प्रभुपाद के विचार में और थोड़ा सा प्रवेश करेंगे तो उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत अलग अलग दृष्टिकोण है एक समय मठ में बहुत एक ब्रह्मचारी रहता था तो प्रभुपाद बोले कि ये ब्रह्मचारी कौन है तो वहां पे पूज्यपाद भक्ति देती आचार्य गोस्वामी महाराज जी थे तो उन्होंने बोले कि गुरुदेव ये ब्रह्मचारी तो यहाँ से बहुत दिन से यहाँ रह रहे आप बोल रहे हो ये ब्रह्मचारी कौन है तो प्रभुपाद बोल रहे तो मैंने तो इसको कभी देखा नहीं मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं तो प्रभुपाद का वास्तविक बोलने का तात्पर्य क्या है ये शारीरिक रूप में तो मठ में रहता है लेकिन इसका मन क्या होता है बाहर में चंचल भ्रमित होता है बाहर जीव जगत के प्रति बाहर जो सांसारिक विषय के प्रति इसका मन भ्रमित होता है इसलिए शारीरिक रूप में ये मठ में रहने पर भी इसका सेवन मुखी वृत्ति नहीं है प्रभुपाद का वन इसका सेवन मुखी वृत्ति जो सेवन सेवा करने का जो भाव नहीं है इसीलिए ये मठ में रहने पर भी ये मठ में नहीं है क्या उन्होंने मठ के जो मठ मंदिर का जो आवश्यकता जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है प्रभुपाद ने उसमें अगर हम थोड़ा सा भी उसको हम अध्ययन करेंगे तो उसमें विशेष विशेष रूप बता रहे हैं प्रभुपाद जी ने क्या बता रहे क्या उनका महिमा है क्या उनका जो विरह जो परिभाषा है अब हमारे इनके भाषा के बारे में अगर हम थोड़ा सा ही क्योंकि संक्षेप है यद्यपि ये बात बहुत गंभीर है और अगाध समुद्र के जैसा है तो समय का भी है और मुझे बस जनार्दन प्रभु भी बोलेंगे आरती भी होगा बस थोड़ा ही देर में और कुछ बोल देता हूँ यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद को प्रभुपाद के अगर भाषा के अगर दृष्टिकोण में हम लेंगे तो इन्होंने नरोत्तम कविराज नरोत्तम साख्य पदम कविराज गोस्वामी पाद का जो दीनता इन्होंने वही दीनता को क्या किया ग्रहण किया और नरोत्तम दास ठाकुर का जैसे गुरु ग्रहण उसको इन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया इसलिए कविराज नरोत्तम साख्य पदम इसके ऊपर वही ऊपर लाइन में बोल रहे हैं कि रघु रूप सनातन कीर्ति धर्म कि ये क्या है इनके जो सिद्धांत है हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग है सबसे सब गोस्वामी रूप गोस्वामी का अगर और दास गोस्वामी का जितने भी गोस्वामी वर्ग जीव गोस्वामी को छोड़ के अगर हम सारे के सारे गोस्वामी वर्ग के अगर ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो वहां से थोड़ा सा थोड़ा क्या करेगा हमको समझने में आसानी हो जाएगा लेकिन जीव गोस्वामी की जो भाषा है जीव गोस्वामी की जो लिखनी है जीव गोस्वामी जिस चीज को मतलब जिस व्याकरण को लिखे हैं उसको साधारण साधारण से साधारण तो क्या बहुत बहुत पंडित लोग भी उसको समझ नहीं पाते उसी प्रकार प्रभुपाद की भाषा है इसीलिए वहां पे बता रहे जीव गोस्वामी के साथ इनको तुलना कर रहे हैं कि इनके जो विचार परम गुरुदेव बोलते हैं अति मौलिक है क्या है मौलिक जो मूल को लेके हर समय नव नवायमान है कुछ नया विचार देते हैं मूल विचार जो है रूप रघुनाथ का वाणी का विचार और उसी विचार को लेके ये हर समय कुछ नया विचार स्वतः प्रकाशित कर देते हैं जैसे हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं कि हम तो प्रभुपाद को हर समय नया नया रूप में दर्शन करते हैं
हम प्रभुपाद को हर समय नया नया विचार को श्रवण करते हैं और नया नया रूप में नया नया भाव में दर्शन करते हैं। यद्यपि वो बात हमने सुने हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमने कभी सुना ही नहीं। तो ये जो भाव है ये वास्तविक रूप में प्रभुपाद ने हमको दिया और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है प्रभुपाद ने जिस चीज को हमको दिया। देखो दो चीज हमारे प्रभुपाद ने हमको दिया, एक तो धाम परिक्रमा का विशेष प्रभुपाद ने हमको दिया और दूसरे अपर सिद्धांतों को दूर करना। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे पहले जो नरोत्तम दास ठाकुर, सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को धाम को परिक्रमा करवाई थी, फिर उनके पश्चात श्रीनिवास श्यामानंद और नरोत्तम प्रभु ने क्या किया ना धाम का परिक्रमा की, फिर लुप्त जब हो गया था उसी चीज को सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रकाशित किया नवदीप धाम महात्मा के एक ग्रंथ पे, फिर उसी चीज को वास्तविक में प्रभुपाद ने क्या किया परिक्रमा करके हम जैसे बद्ध जीव को महाप्रभु के जो लीला, महाप्रभु के जो वाणी, महाप्रभु के जो विचार में थोड़ा सा प्रवेश होने के लिए एक रास्ता खोल दिया, बोले दिखा दिया इसमें घुस जाओ जो परिक्रमा है। क्योंकि हम तो कहीं इधर मठ में अगर बोलेंगे कि आप क्या करो सो तो मठ में चले जाओ, हम यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ बीच घूमने चले जाएंगे लेकिन मठ में नहीं आएंगे कथा सुनने के लिए। प्रभुपाद का जो विचार है, प्रभुपाद बोले कि अगर धाम परिक्रमा के उद्देश्य अगर कोई बद्ध जीव मठ में आएगा और मठ में वो कथा कीर्तन को श्रवण करेगा, चाहे धाम का परिक्रमा उसका ना हो, वो घूमने लगे गिरिराज में जाए, वृंदावन में जाए और इधर उधर घूमे, लेकिन हमारे गुरुवर का एक चीज पर बताया करते बोले कथा कीर्तन में बैठना है, तो वो परिक्रमा करो ना करो ये नहीं देखते, क्या देखते कि कथा में बैठा है कि नहीं, ये कीर्तन में बैठा है कि नहीं। वास्तविक उद्देश्य वही था कि प्रभुपाद का जो विचार है, और दूसरा विचार प्रभुपाद अपने गुरुदेव भक्ति गौर किशोरदास बाजी महाराज जी के सुवर्तिरोहाग तिथि में बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, जगत में जो कुछ सिद्धांत, जो कुछ सिद्धांत हमारे गौड़ीय मठ में और गौड़ीय विचार में घुस गया है उसको इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में खंडन करके निकाल दिया। बोल रहे अपने गौर किशोरदास बाजी महाराज के विरह तिथि पे ये बोल रहे हैं कि मैं तो यही पुष्पांजलि देता हूँ, मैं क्या पुष्पांजलि देता हूँ कि मैं गौर किशोरदास बाबाजी महाराज मेरे गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं पूर्ण सिद्धांत को क्या करूँ खंडन कर सकूँ, यही मैं उनके चरण में पुष्पांजलि देता हूँ। पूर्ण सिद्धांत को इन्होंने विशेष रूप में खंडन किया, यही प्रभुपाद का वास्तविकता है। और उसी मत में लेके हमारे परम गुरुदेव ने जो आर्टिकल लिखा, परम गुरुदेव ने जो विचार को लिखा, हमारे गुरुदेव ने जो विचार को लिखा, फिर हमारे गुरुदेव जिस प्रकार को विचार को बोल रहे हैं और हम उसी परिक्रमा के धारा में अगर हम श्रवण करेंगे, प्रभुपाद ने जिस प्रकार का परिक्रमा किया, हमारे गुरु परम गुरुदेव ने जिस प्रकार का परिक्रमा करवाया, हमारे गुरुदेव ने जिस प्रकार का परिक्रमा कराया और हम गुरुदेव के गुरु जी के अनुगत्य में जो अभी परिक्रमा करते हैं वो अभी और कहीं भी नहीं है, ये हमारे गुरु परंपरा का विशेषता है। जो देवानंद गोड़े मठ में हमने पहले पहले जब गए थे नवदीप धाम पे, वहां पे हमको बताया गया था कि एक चीज बोल देना नारायण महाराज का मठ, बस वहां ले जाएगा, बस गुरुदेव का नाम सुनते ही वहां सब लोग जानते हैं, जब परिक्रमा निकलता है हो ना हो ये नारायण महाराज जी का ही शिष्य लोग होकर परिक्रमा कर रहे हैं। तो इतना गुरुदेव गुरु जी का इतना महिमा है ब्रज मंडल में, कैसे गुरुदेव ने गुरु जी ने ये सब किसकी कृपा से हुआ कि प्रभुपाद की ही कृपा से हुआ, प्रभुपाद का ही ये दिया हुआ है। तो प्रभुपाद का जो विचार है वो अगाध समुद्र के जैसा है और वो लोहे के वज्र के जैसा है और उसमें लोहे का द्वार जो वज्र का द्वार लगा हुआ है, तो अब हम उस वज्र के द्वार पे हम जितने भी घुसने के प्रयास करेंगे उसमें घुस नहीं पाएंगे, लेकिन एक उपाय है क्या, उस द्वार पे जो प्रभुपाद के जो अनुबंध जन जो हमारे गुरुवर्ग हैं अगर उनके शरण में हम चले जाएंगे वो कृपा करके उनमें हम घुसा देंगे, वो कृपा करके हमको क्या करेंगे उसमें प्रवेश कर देंगे। प्रभुपाद को विचार को समझना बहुत मुश्किल है। एक दिन पहले ही मैं जहाँ पे था पूज्य पद पर्वत महाराज जी के मठ में, वहाँ जैसे ही जैसे प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को जैसे गुरुदेव ने बोल दिया कि सब लोग प्रिपेरेशन करके आना प्रभुपाद के बारे में कुछ ना कुछ नया चीज बताना, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा उनके चरण में पुष्पांजलि देना। तो मुझे भी एक ब्रह्मचारी ने बोला कल दोपहर में कॉल किया था कि बोला कि प्रभु जी और मुझे कुछ बता दो प्रभुपाद के तो विचार में हर आर्टिकल हर जगह पे पढ़ता मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना टॉप लेवल का विचार है
ठाकुर भक्ति विनोद का जो वाणी है जो लिखनी है और जितने भी गुरु वर्ग लिखनी है तो वो बहुत सिंपल है। प्रभुपाद के कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी जो आर्टिकल थे वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं था। और आज मुझे फिर से 11 बजे कॉल किया था, मैंने जब भोग आरती किया फिर बाद में उसको कॉल बैक किया, वो बोल रहे है हाँ मुझे प्रभुपाद के सब विचार पता चल गया। बोला अच्छा, कल तो बोल रहा था विचार पता नहीं चला। बोले आज कैसे विचार पता चला? बोले आज आपके गुरुदेव ने सुबह सुबह जो लाइव हुआ ना, मैंने उसमें स्पष्ट रूप में श्रवण किया। हमारे गुरुदेव ने उस विचार को प्रभुपाद के जीवन चरित्र में कितना सिंपल भाव में, जो लोग सब सुबह मंगल आरती में आए थे उनको वही वाणी का मतलब आनंद मिला होगा, कितना स्पष्ट मात्रा में, कितना सरल मात्रा में उसको व्याख्या करते हैं। तो यही वास्तविक है जो गुरुवर को बोलते हैं, हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं कि उनके अनुगत के अनुगत के अगर हम उनके शरण में चले जाएंगे तो प्रभुपाद के विचार में हमको क्या करेंगे, प्रतिष्ठित कर देंगे। यही वास्तविक प्रभुपाद का विचार है। हम बस यहाँ से एक चीज को ग्रहण करेंगे, आज प्रभुपाद का शुभ विरह तिथि है, आज प्रभुपाद का शुभ तिरोहा तिथि है, क्या उनके आचार विचार, क्या उनके जो भजन का प्रदर्श जो आदर्श है मठ मंदिर में उन्होंने क्यों स्थापना किया, क्या एक चीज को अगर एक चीज बस ज्यादा नहीं एक चीज को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत है, यही बहुत है हमारे लिए, यही बहुत है। तो आज हम सब प्रार्थना करें कि आज शुभ प्रभुपाद जी का शुभ तिरुभाग तिथि है और कृपा करके हम तो दुष्टता नहीं करेंगे, इतना बड़ा दुष्टता नहीं कर सकते कि प्रभुपाद हमको वही विचार में प्रवेश कर दे। बस हम अपने गुरु जी के चरण में हम बस यही प्रार्थना करते हैं, कभी हमारा भी ऐसे विरह हो जिस प्रकार का हमारे गुरुवर्ग का होता है क्या विरह, और कभी हमारे अंदर भी उसी प्रकार का सेवा वृत्ति हो, कभी हमारे अंदर भी उसी मठ में रहने और मठ में जो शासन को ग्रहण करके और मठ को विशेष रूप में ममता में सेवा भाव भाव में जो सेवा करने का हमारे हृदय में जागृत हो, कभी हमारे हृदय में गुरु सेवा और गुरु आदेश को पालन करने का हमारे हृदय में सक्षम हो जाए कि गुरुदेव कुछ आदेश दे और हम उसको विशेष रूप में पालन कर पाए, यही प्रार्थना करते हैं हम बस प्रभुपाद के चरण में, गुरु वर्ग के चरण में, बस गुरु परंपरा के चरण में, इतना ही वांछा कर लो। जनार्दन प्रभु, जनार्दन महाराज कहाँ है, कहीं चले? हरे कृष्णा, बोले श्रील प्रभुपाद की, ठाकुर जी आरती की है, ठाकुर जी को भोग लग गया कि नहीं? पुजारी जी क्या अंदर में क्या कर रहे, इतना समय तो बंद करके मंदिर को बंद करके रखे हो, दो मिनट लग गया, कितना वैसे मंदिर बंद कर दिया, देखो एक घंटा से सो गया अंदर में ना के। बोले श्रील प्रभुपाद की। अब लोगों ने विभिन्न भक्तों के मुखारविंद से प्रभुपाद के विभिन्न दृष्टिकोण के को उपलक्ष्य करते हुए भक्तों ने बड़ी सुंदर सुंदर उन लोगों ने कथा सुनाई, इसलिए अगर ये प्रभुपाद जगत में नहीं आते, मैं सवेरे बोल रहा था कि जो दुनिया देख रहे हो ना, ये दुनिया भी नहीं रहता। अब लोगों को पता है हर देश में एटम बम बना कर रखे, आपको पता है कि नहीं? अगर अभी चाइना और भारत में भी लड़ाई होने जा रहा था, तो लड़ाई हो गया ना, इस बार विश्व युद्ध हो गया, पृथ्वी में कोई बचने वाले नहीं है, कोई बचेगा? कहते अगर 25% जो एटम बम अगर फेंकेगा ना, ये दुनिया धूलिसात हो जाएगी, संपूर्ण ध्वंस हो जाएगी, एक दिन ये युद्ध होगा। ये एटम बम क्यों बना कर रखे? पूजा करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए, एक दूसरे देश को धमकी दे रहे हैं। हाँ, अभी सवेरे में बता रहा था हमारे प्रभुपाद के भक्त लोग कह रहे हैं अगर ये प्रभुपाद जगत में नहीं आते तो अभी ये दुनिया नहीं रहता, ये दुनिया अभी ध्वंस हो जाता। लेकिन अभी ध्वंस क्यों नहीं हो रही, ये एटम बम को क्यों नहीं फेंक रहे? चूंकि अभी पृथ्वी में अभी कुछ भक्त लोग है, अभी कुछ लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। कि भगवान स्वयं भक्तों के द्वारा प्रतिज्ञा करके भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्ति करते हैं उनको विनाश नहीं है। अगर एटम बम गिरेगा कि बड़ोतर में कुछ भक्त लोग जो कंठी माला तिलक लगा करके बैठे हो, ये लोग भी तो मर जाएंगे। इसलिए भगवान गीता में जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा ठाकुर का नष्ट हो जाएगा, है ये प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये एटम बम अभी नहीं गिर रहा है। इसलिए अगर आप लोग जब तक भजन करोगे, भक्ति करोगे,
तब तक दुनिया में कुछ होने वाले नहीं। इसलिए ये जो प्रभुपाद जगत में जो आए हैं, इन्होंने यही महापुरुष ही, महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी की गांव गांव में, शहर शहर में, गली गलियों में क्या होगा, सबके सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम। जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए अभी कुछ भक्त लोग भगवान की भजन कर रहे हैं, इसलिए ये जगत में अभी आटों को गिरने वाले नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, सबके सब भजन करो। अब विशेष करके प्रभुपाद हमें तीन चीज दिया है, कहते एक तो गले में कंठी दिए हैं, दूसरे ये तिलक दिए, और तीसरा उन्होंने ये माला दी है। ये तीन चीजों को छोड़ना नहीं, गले से कंठी नहीं उतरनी चाहिए है, कभी कभी सोने का चैन रह जाती है लेकिन गले से कंठी उतर जाती है नहीं। गुरु जी से जब एक बार हम माला ग्रहण किए, कभी भी अगर ये माला किसी कारण से उतर गया, टूट गया, नियम है जब तक दो बार उसको पहन नहीं ले तब तक पानी नहीं पीनी चाहिए, पाप लगता है। जो कुछ हम पीते हैं गले में टच करते हुए अंदर में जाते हैं, जो कुछ बोलते हैं वाणी शुद्ध होकर के निकलता है, हैं? इसलिए गले से कभी भी कंठी नहीं उतरनी चाहिए। अगर गले से कंठी उतर गया, अगर कहीं मर गया तो वो सीधा नर्क जाना पड़ेगा, सीधा नर्क जाना पड़ेगा, आपको कोई रोक नहीं सकते हैं। अगर गले में कंठी है ना, जम दूध देख लिया तो कभी तुम्हें नर्क नहीं ले जाएंगे, समझ गए। ये पालतू कुत्ते, ये फालतू कुत्ते रोड में ये घूमने वाले फालतू कुत्ते नहीं, ये ठाकुर जी की फालतू कुत्ते। और दूसरे तिलक जरूर लगाना, और तीसरा जो है भगवान की नाम को जरूर, ये भगवान का नाम को जप करना। देखो अभी अभी सुन रहे थे ना, श्रील प्रभुपाद जी दिन में 3-3 लाख हरि नाम करते थे। ये जगत में इतने नाम क्यों, प्रभुपाद की जगत में अभी वो महापुरुष का हम क्यों पूजा करें, कारण क्या है? कारण है भगवान के नाम को जप किया उन्होंने। हनुमान जी की जगत में इतने पूजा क्यों है, हर समय रघुपति राघव हर समय करते हैं। गणेश जी का क्यों पूजा, हर समय प्रभु का नाम करते हैं। शंकर जी की क्यों पूजा हो रही है, वो पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए प्रभुपाद का भी जगत में तेरे नाम क्यों है, कारण है उनने दिन दिन में 3-3 लाख हरिनाम, पहले हम सुन रहे थे ना, अगर कोई 3 लाख हरिनाम करता है 12 साल तक अगर कोई करे उसका बात सिद्ध हो जाती है। अब जो बोलोगे मुंह से वही हो जाएगा, जिसको जो कुछ बोलोगे वही हो जाएगा। इसलिए सबके सब हरिनाम में हमें निष्ठा रखनी चाहिए, ठीक है ना। हरिनाम कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु जी कहते थे माला को कभी भूखे नहीं रखो। गुरुदेव जब हमें माला दिए, माला नहीं, माला रूप में ठाकुर जी को हमें दिए हैं। एक दिन अगर हम माला नहीं जप करेंगे तो क्या हुआ, ठाकुर जी पूरा के पूरा आज भूखे रह गए, ठाकुर जी स्नान नहीं किए, ठाकुर जी भूखे रह गए। इसलिए खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को कभी भूखे रहने नहीं देना, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों ने प्रभुपाद इतनी अच्छी बात प्रभुपाद बताए। प्रभुपाद कहते हैं निश्चिंत होकर भजन करो, कोई चिंता मत करो, खूब भगवान की भक्ति करो। कहते अगर खाने पीने का कुछ अभाव होगा, प्रभुपाद कहते हैं मैं गोलोक वृंदावन से सोने की ईंट में मंगा लूंगा, क्योंकि प्रभुपाद कौन है, ये राधा रानी के नयन मणि मंजरी, ये गोलोक वृंदावन से राधा रानी के निकुंज मंदिर से वो आए। वो इतने बड़ी बात कहते हैं, खूब भगवान की भजन करो, चिंता मत किया करो, भगवान खूब भक्ति करो, कुछ दिक्कत होगा तो सोने की ईंट में, गोलोक वृंदावन से सोने की मैं ईंट ला दूंगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। देखो हमारे यहाँ पर जो बाबा लोग भजन कर रहे, भक्ति कर रहे, ये कोई नवगिरजा की क्रिया कर रहे हैं। एक व्यक्ति को परिवार को देखना, घर में पति भी काम करता है, पत्नी भी नौकरी करते, बच्चे भी, तब भी घर की पूरी नहीं कर पाते। देखो रोज रोज मंदिर में भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है, पर 7 तारीख को हमारे बड़े गुरु जी का और 2 गुरु जी की, एक का जन्म तिथि और एक का तिरुभाव तिथि 7 तारीख को, इसलिए आप लोग सबके सब आना, उसी दिन भी भंडारा है और 2 दिन पहले भंडारा वहां पर गया। और हमारे बड़ों के भक्त इतने अच्छे है, रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके लाते हैं, सुंदर सुंदर प्रसाद भी बना करके लाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने से है, प्रभुपाद कहते कोई चिंता मत कर, मैं वहां से खाना मंगा दूंगा। इसलिए कोई चिंता मत कर, निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करता और निश्चिंत होकर के। इसलिए जो प्रभु जनार्दन किसका ही हो,
आज समस्त कहल तेज कहीं कहूनी तेज कहीं बाकी रही जो समस्त कल पांच मिनट कहे आस खाली ठीक है। हाँ अभी बहुत टाइम हो गया, प्रभु जी खाली बोलेंगे कल। अगर जो बोलना चाहते हो हम किसको प्रेशर नहीं देंगे, जो बोलना चाहते हो बच्चे लोग अगर बोलना चाहते हो जनार्दन प्रभुपाद में जाना, आपको एक एक सुंदर सुंदर स्टोरी लिखवा देंगे ठीक है। एक एक प्रभुपाद दिखे आज तक सुने थोड़ी बहुत हैं, आज तक थोड़ी बहुत सुने, हाँ थोड़ी थोड़ी याद कर लेना, पाँच पाँच मिनट बोलना ठीक है। मैं जोर नहीं करूँगा नहीं तो कल ही आओगे नहीं मंदिर में नहीं तो मंदिर भी नहीं आओगे, बोले हमें बोलना नहीं पड़ जाए नहीं। सुबह अरे हरे श्याम श्याम सुंदर प्रभु, हाँ बहुत सारी कथा सुने हैं ना, इसलिए एक कापी और एक पेन लेकर गानी चाहिए प्रभु जी साथ में ना, एक कापी। देखो यहाँ पर जितने सब बोल रहे थे सब कापी पेन लेकर बोल रहे थे ना, सबके सब सबके सब नोट कर रहे थे कथा को, सबके सब नोट कर रहे थे, इसलिए अब लोग कापी का पेन लेकर गाना। जब हमारे बड़े गुरु जी रहते थे भक्तिवर नारायण गोस्वामी महाराज, हम लोग सब कापी पेन लेकर बैठते थे, गुरुदेव जो कथा करते थे इसको हम अपना नोट करते थे, सब नोट करते थे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता था फिर गुरुदेव को प्रश्न करते थे। गुरुदेव भी ऐसे, आज जो बच्चे लोगों ने इतने सुंदर सुंदर कथा सुना, हमारे गुरु जी के समय में भी गुरु जी सबको चांस देते थे, तुम भी बोलो तुम भी बोलो तुम भी बोलो। जब मैं पहला नया नया, मेरे को 20 साल उम्र था, मैं जब आया एक दिन गुरु जी बोले, बोले रसानंद तुम भी बोलो। बोले गुरु जी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरे हिंदी भाषा में, हमारा भाषा था और कोई भाषा था। तो गुरुदेव ने कहा तुम मेरे आदेश पालन करोगे ना मैं तेरे आदेश पालन करूँगा। इसलिए गुरुदेव मेरे खड़े और जबरदस्ती खड़े कर दिए। और उस दिन पहला बार जब मैंने बोला ना, आप लोग जो बैठे हो वहाँ पर बड़े बड़े वैष्णव लोग बैठे हुए थे और वहाँ से सब बहुत भक्तसार बने। जब मैंने कथा सुनाया ना उस समय मेरे शरीर से पसीना पसीना बह रहा था डर के मारे, क्योंकि पहला बार खड़े हुए इतने लोगों के सामने। फिर और एक बार क्या हुआ, फिर कोई तिथि आ गया, फिर गुरुदेव तो चार चार बार कथा करते थे, और एक बार गुरुदेव खड़े कर दिए। गुरुदेव का ये नियम था, पहला वक्ता ने जो बोल दिया उसको रिपीट नहीं करना, कोई नई बात को बोलो। ऑलरेडी उन्होंने तीन चार भक्तों को खड़े कर दिए, जो था बोलना सब सब खत्म कर दिए बोल कर दिए। अरे मेरे नंबर आया, बोले तुम बोलो। बोले गुरुदेव जी तो सबके सब बोल कर खत्म कर दिए, मैं क्या बोलूंगा हैं। फिर गुरुदेव मेरे को सभी को सामने बड़े जोर से डांट लगाए, बोले पिता माता की सेवा नहीं किया, घर बार छोड़ करके यहाँ पर आए, पिता माता को धोखे दिए, अरे मंदिर में आकर गुरु वैष्णव की धोखा दे रहे हो, यहाँ खाने और सोने के लिए किया है यहाँ पर। इसलिए हरी कथा को हरी कथा बोलो हैं, हरी कथा बोलो, हरी कथा सीखो, महाप्रभु का प्रचार जगत में करना है। इसलिए गुरुदेव हम लोग को भी ऐसे उत्साहित करते हुए गुरुदेव शिक्षा देते थे, इसलिए आज गुरु जी की कृपा से हम भी थोड़ी बहुत बोलने के लिए हम भी प्रचेष्टा करते हैं। इसलिए गुरुदेव सबके ऐसे उत्साहित करते थे, इसलिए हम भी चाहते हैं, हम भी चाह रहे हैं आप लोग भी हरी कथा सीखो, हरी कथा बोलो हैं, महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार प्रसार करो। और जितने सब माताएं आए हो आप लोग भी क्या करना, अपना अड़ोसी पड़ोसियों को भी भगवान की कथा सुनाओ, उनको भी भक्ति में प्रवृत्ति कराओ। अभी कथा सुन रहे थे ना प्रभुपाद, बहुत बड़ी बात बताई, कितने बड़ी बात बताई सुना ध्यान दे करके, कितने बड़ी बात प्रभुपाद ने बताई। बोले अगर एक जीव को, कितने जीव को, एक व्यक्ति को समझा बुझा करके भगवान की भक्ति में तुमने लगा दिया, कितने पुण्य, कितने पुण्य। कहते एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, बोले एक हॉस्पिटल नहीं करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल किसको खोल दे, करोड़ों करोड़ों अन्न छत्र खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज बना दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी अगर केवल एक व्यक्ति को अगर समझा बुझा करके भगवान की भक्ति में लगा दिया तो उससे करोड़ गुण पुण्य मिलेगा उसको। क्योंकि एक कपड़ा दो दो दिन बाद फट जाएगा, किसको मेडिसिन दो दो दिन बाद फिर बुखार होगा, किसको भोजन खिलाओ दो चार दिन बाद फिर तुमको भूख लगेगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति को तुमने भजन में लगा दिया ना, भक्ति में लगा लिया, क्या होगा उसको जन्म जन्मांतर का जो जन्म मृत्यु चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी और भगवान का धाम में जाएगा वो व्यक्ति। इसलिए इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग जितने माताएं और भाई हैं क्या करना, अड़ोसी पड़ोसियों को भी भगवान की कथा सुनाओ, जो कथा सुनते हो हैं दूसरों को भी कथा सुनाओ, दूसरों को भी भजन में प्रवृत्त कराओ, दूसरों को भी मंदिर में लेकर के आओ। और हमारे श्री अनिरुद्ध प्रभु जी, अनिरुद्ध प्रभु जी हाँ इन्होंने भी इधर आ जाओ, इसलिए इन्होंने इन्होंने भी अगली जो सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे याद है कि नहीं सब लोगों को,
अभी बच्चों के लिए कितने से कितने तक क्लास दोगे? 11 से, 11 से दिन 11 से 1 बजे तक ये क्लास देंगे। अब जितने बच्चे आए, अब तो आना ही है, अब जितना अपना क्लासमेट है ना, सबको लेकर के आना, सबको लेकर के जितना दूर हो सके। ये लड़के लोग अपना लड़कों को और माताएं अपना लड़कियों को लेकर सबके सब आना, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं एक दिन संपूर्ण, यही प्रभुपाद का इच्छा था, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, अपना शिष्यों को घर घर में प्रभुपाद ने भेजा, और घर घर में भेज भेज करके जाओ घर घर में महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार करो। इसलिए प्रभुपाद ने पहले, उन्होंने जो वार्षिक पत्रिका निकालते थे, साल में एक बार एक पत्रिका निकलता था, प्रभुपाद ने देखा ये सप्ताह में एक एक पत्रिका निकाली, घर घर में पहुंचाएगा, मतलब गोलोक वृंदावन की कथा उन्होंने पहुंचाया करते थे। फिर देखा ये भी सफिशिएंट नहीं, फिर उन्होंने पाखी मतलब 15 दिन में एक बार पत्रिका निकाली, बल्कि ये भी काफी नहीं, फिर उन्होंने साप्ताहिक, हर सप्ताह में एक एक उन्होंने पत्रिका निकाली, बोले भैया ये भी सफिशिएंट नहीं, फिर दैनिक, जैसे रोज हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना, सवेरे उठते ही न्यूज पेपर आता है, इसलिए उन्होंने प्रभुपाद ने प्रत्येक रोज सवेरे उठते ही, जैसे लोग को पास में ठाकुर गोलोक वृंदावन की जैसे कथा पहुंचे, और सवेरे उठते ही ठाकुर जी की इधर उधर बात नहीं सुन करके, नहीं पढ़ करके ठाकुर जी की कथाओं को पढ़े। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, एक समय प्रभुपाद ने जब जाते थे प्रचार करने के लिए, एकदम कोट बूट सूट पहन करके जाते थे, एकदम सज्ज करके, और कार में बैठ कर जाते थे, एक व्यक्ति ने बोल दिया, लेकिन बाहर नदियों को देखे थे, इसलिए किसने प्रभुपाद को बोलता, आप तो संत हो, और उस समय कार में चलना कोई साधारण बात नहीं था, अभी तो हम, उस समय साधारण बात नहीं था, लेकिन उन्होंने कार में जाते थे प्रचार के लिए, किसने इनको कहा आप संत होकर कार में बैठ कर क्यों जा रहे, देखो प्रभुपाद क्या कहते, बोले कार की बात क्या है, मेरे पास में इतनी हरी कथा, इतने कथा मेरे पास में, अगर 8-10 अगर एरोप्लेन मेरे को दे दिया जाए, एरोप्लेन अगर दे दिए वो भी कमी पड़ेगा, हम चाहता हूँ मेरे पास में इतनी कथा, संपूर्ण विश्व में हम जाकर के महाप्रभु भगवान की कथा को जगत में प्रचार प्रसार करें, इतने बड़ी बात प्रभुपाद, इतने बड़ी बात कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद को ये इलेक्ट्रिसिटी का महत्व है, जिन्होंने बनाया, जिसको काम कर रहे, चूंकि वो ठाकुर को सेवा में लग रहे, कम से कम उनको कल्याण होगा। इसलिए वो जो मंदिर के ऊपर में बाग बाजार, इतना बड़ा लाइट जलता था, कितने मील तक लाइट दिखता था, किसने कंप्लेन किया, अब इतने बड़े लाइट, परिक्रमा जो परिक्रमा हो रही थी, वो प्रभुपाद हाथी के ऊपर बैठे करके चलते थे, और हजार हजार लोग उनको साथ में, रसिया आज का दिन सारा दुनिया में उनकी पूजा होता है, सारे दुनिया में इनकी पूजा हो रही है, क्योंकि इन्होंने ही विश्व ब्रह्मांड में हमारी सनातन धर्म को इन्होंने ही प्रचार और प्रसार इन्होंने कराया। इसलिए ये हम सबको ऊपर में कृपा करें, आशीर्वाद करें, इन्होंने जो भक्ति धारा को लेकर के आए और हमें भक्ति देने के लिए कोशिश किया, जैसे थोड़ी बहुत, देखो प्रभुपाद एक ही बात कहते थे, अभी सुन रहे थे ना, सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सुन करके भी प्रभु का भजन भेजो, जैसे भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कभी घर में कभी तुम लड़ाई हो जाता हो, क्या सब कंटी माला सब तिलक लगा लिया, कौन सा बाबा के चक्कर में तुम सब पड़ गए हो, हैं? और कभी कभी मंदिर में आने पर, अगर कभी कभी कोई लोग थोड़ी थोड़ी अगर कभी टेढ़ी मेढ़ी अगर थोड़ी बहुत बात बोल दे, इसमें गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत अगर कुछ बोल दिया उसको सहन करते हुए, कहते ना जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो ना सहे, इसलिए हर चीज को सहन करते हुए, घर में क्या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बताओ किसको घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हम सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं, सबको पालन करते हैं, जना सबका गाली भी सुनते हैं, सुनते कि नहीं, बेटे का भी गाली सुनेंगे, बहू को भी गाली सुनेंगे, हाँ बेटी की भी गाली सुनेंगे, सबका संसार में गाली सुनते वही रहे, घर कोई अपने घर से छोड़ देते हो, नहीं छोड़ते हो, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कभी भगवान की भक्त नहीं छोड़ना, और एक जीवन प्रभुपाद का एक जीवन, गले में जैसे कंठी माला तिलक है, ये चीज को कभी छोड़ना नहीं, किसी तरह से एक जीवन प्रभु का भजन में लगे लग करके रहो, अगले जीवन में दीन दीन बढ़त सवाय पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, ये भक्ति हर जीवन में बढ़ करके, जितने इसी जीवन में भक्ति कर रहे हैं, अगले जीवन में हमें ब्याज समेत हम अगले जीवन में मिलेंगे। इसलिए आप लोग सब आनंद पूर्वक भजन करो, और रोज कोशिश करो, यहाँ पर 5:30 से 6:30 तक रोज कथा होती है, 1 घंटा के लिए रोज आओ,
अगर सवेरे हो सके बहुत तो ठंडा अभी, लेकिन कुछ माताएं आती हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन जरूर कोशिश करो सवेरे आ सकते तो बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम शाम को कोशिश करना एक घंटा के लिए समय निकालो ठाकुर का। हाँ आज तक लेट हो गया क्योंकि प्रभुपाद का तिथि है, रोज हम लोग कोशिश 7 बजे से सब छोड़ देने के लिए विश्राम हो जाता है। ठीक है, बोलो भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, बिताई गौर ब्रह्मानंद जी। हो गया कि नहीं? ठाकुर का जो श्रृंगार है हमारे श्री श्यामानंद प्रभु महाराज की जय, जो कथा सुना रहे थे ना, इन्होंने ठाकुर जी को बड़े बड़े सुंदर श्रृंगार। सभी लोग प्रसाद पा करके जाइएगा, प्रभुपाद जी के फोन लगाओ प्रसाद, सभी लोग पा करके जाइए। जय जय गोराचंदे हर दीप सो
सब जगत में है, उसमें आज उनकी ड्यूटी है, आज हम लोग कुछ सब हाथ उठा करके कुछ भी करना है, सभी लोग हाथ उठा करके केवल आगे और जीवन बहुत अच्छा है। Thank you.
जय जय श्री श्री गुरु विनोद धरीलाल की जय जय श्री श्री